हेलो जेंटलमैन, क्रिएट्स एंड लेडीज, माय नेम इज आर्यन और आज मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ हिस्ट्री का लेक्चर नंबर वन, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एज यू ऑल नो गाइस, हम सीडीएस की सीरीज में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जो हमारा 40 डेज का फ्री कोर्स है, उसमें हमने अभी तक पॉलिटी पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, ठीक है। अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस पूरी वीडियो में शुरू से एंड तक देखना, आई रिक्वेस्ट यू। क्यों? क्योंकि हम इसमें पूरी एंशियंट हिस्ट्री निपटा देंगे। एंशियंट हिस्ट्री पूरी कवर करा दूंगा मैं, जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू से एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले दो बातें। फर्स्ट, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां से जाके आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नंबर दो, जो कोई भी सीडीएस, सीएपीएफ, एफ कैट, एनडीए, एफ कैट नहीं, एनडीए, इन तीन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अपकमिंग सीडीएस और सीएपीएफ, ठीक है। मैंने पूरी एंशियंट हिस्ट्री कवर कराने की कोशिश करी है, तो शुरू से एंड तक देखो, ठीक है। तुम्हारे गारंटी है, तुम्हारे जो चार क्वेश्चन आते हैं एंशियंट से, चार से पांच एवरेज, कभी ऐसा होता है कि तीनों पार्ट्स में कहीं फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी यहाँ इसमें से 8 आ गए या 6 आ गए, ठीक है, मॉडर्न से, ठीक है, इससे एंशियंट से 5 आ गए, ऐसे करके, ठीक है। बट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंदस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। बेसिकली इंदस वैली सिविलाइजेशन है क्या, ठीक है। इंदस वैली का नाम इंदस वैली क्यों पड़ा? इंदस वैली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गाइस वो क्या, इंदस रिवर के किनारे बसी थी, जिसको हम क्या बोलते थे, सिंधु घाटी भी बोला जाता था। सिंधु हिंदी में नाम, फिर इंदस इसी को बोला गया, फिर एक और बोलते हैं उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, तो उसी से एक तरीके से जैसे इंडिया है, इंडिया में दिल्ली है, ऐसे इनके लिए हड़प्पा था उस टाइम पे, समझे। चलो, डिस्कवरी ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। देखो, जो डिस्कवरी है ना इंदस वैली सिविलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कौन सी एज की है, वो कौन सा टाइम था, ठीक है। वो टाइम था ब्रॉन्ज एज थी, पहला क्वेश्चन यही बन गया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है सीडीएस में, PYQ है ये, कि इंदस वैली सिविलाइजेशन कौन सी एज की है। तो इंदस वैली सिविलाइजेशन आपकी कौन सी एज की है, ब्राउन्स एज की है, ब्राउन्स एज की, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिगेन विद द बर्थ ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडिया की हिस्ट्री है वही हम इंदस वैली सिविलाइजेशन से मानी जाती है कि तब से शुरू हुई है, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी मिलती है। 2600 BC में वेस्टर्न पार्ट्स साउथ एशिया के, मतलब अगर ये हमारा इंडिया है ना, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का ये वाला पार्ट, ये वेस्टर्न वाला पार्ट, इधर फ्लोरिश हो रही थी कौन सी, इंदस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। और इसका जो मेजोरिटी पार्ट है, मतलब जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब ना, जब पार्टीशन हुआ हमारा 1947 में, तब ये पाकिस्तान के पास चला गया, अनफॉर्चुनेटली। बड़ी जो मेजर साइट्स इंडिया में भी है, धोलावीरा गुजरात में है, लेकिन वैसे, ठीक है, ठीक है। और उस टाइम जो थी ना, चारों सिविलाइजेशन में, ठीक है, सबसे बड़ी सी अर्बन सिविलाइजेशन थी। अब बोलोगे सर ये अर्बन क्यों, अर्बन सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता था? एक क्वेश्चन देखो, एक ये भी पॉइंट है कि अर्बन सिविलाइजेशन थी वो, ठीक है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्या थी? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी आपकी इंदस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि जो उनका वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ स्ट्रक्चर था ना, हाउसों का, घरों का, चीजों का, वो बहुत वेल मैनर्ड वे में था। मतलब डबल डबल स्टोरी फ्लोर्स हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है, 90 डिग्रीज पे ग्रिड पैटर्न पे, सिटाडेल है, ग्रिड बाथ है, और अपर टाउन और लोअर टाउन में डिफरेंशिएशन है। मतलब जो चीजें आज हम फॉलो कर रहे हैं, वो चीजें पहले फॉलो करते थे उस टाइम पे, इसलिए इनको अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। और इन्हीं के साथ साथ कुछ तीन और सिविलाइजेशन थी, जिसमें इजिप्ट भी आ जाती है, मेसोपोटामिया, इंडिया है, और एक चाइना, ठीक है। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, हम तो पढ़ रहे हैं इंदस वैली सिविलाइजेशन, बट इसकी डिस्कवरी हुई कैसे, हाउ? देखो, 1920 में ना, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो था, उसके ने एक्सकेवेशन करी, खुदाई करी, ठीक है,
उसने दो सिटियों को अनर्थ करा, एक थी आपके मोहनजोदड़ो और एक थी हड़प्पा। फिर 1924 में ही, जो उस टाइम के जॉन मार्शल, ये उनकी फोटो है, जॉन मार्शल थे हमारे डायरेक्टर जनरल ASI के, उन्होंने अनाउंस कर दी कि न्यू सिविलाइजेशन इंदस वैली टू द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने न्यू सिविलाइजेशन की क्या खोज करी है। ठीक है, ये थे 1924 में हमारे कौन, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ठीक है, जिन्होंने जॉन जॉन मार्शल इनका नाम है, जिन्होंने खोज करी, किसकी किसकी, इन्होंने ही खोज करी इंदस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, फिर आता है कनिंगम जी। कनिंगम ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे, एलेक्जेंडर, नाम लिख लेना पूरा, एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर कनिंगम इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। ठीक है, चलो अब ये मैंने फोटोज लगाई हैं और ये इनके आगे इनके एक्सकेवेटेड साइट्स और लोकेशंस, इसलिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लो यहाँ हड़प्पा लिखा है एक ऑप्शन में, जैसे यहाँ हड़प्पा दे दिया, या मोहनजोदड़ो दे दिया, या सिकंदर दे दिया, ठीक है, यहाँ धोलावीरा दे दिया, फिर एक्सकेवेटेड बाय नाम दे देंगे जिन्होंने एक्सकेवेट करा है चार, फिर उनको मैच करके बताना पड़ेगा, ऑप्शंस होंगे ABCD 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 2 3 4 ऐसे करके ही होगा, इसमें होगा तुम्हारा CD B ऐसे करके, इनमें से तुम्हें बताना कि राइट आंसर कौन सा है। ठीक है, ये बहुत डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ मैं ताकि तुम्हारा कुछ छूटे ना। ठीक है, समझे। तो जो हड़प्पा को एक्सकेवेट करा था 1921 में, ये नाम याद रखना, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो इन दोनों का तो याद ही रखना, क्यों, क्योंकि नहीं है इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आज के टाइम पे इंडिया के लिए दिल्ली है ना, न्यू दिल्ली मुंबई है, ऐसे ही उस टाइम उनके लिए क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो था। तो हड़प्पा को जिसने एक्सकेवेट करा था वो थे दयाराम सैनी, 1921 में करा था, और लोकेशन क्या थी, रिवर रवि के किनारे, ठीक है, जो पाकिस्तान के पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है आज। और वहां क्या क्या मिला था, सैंडस्टोन मिले थे, ठीक है, स्टैचूज ऑफ ह्यूमन मिले थे, ग्रीनरीज मिली थी, बुल कार्ड मिले थे। ठीक है, फिर आते हैं आपके मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ द डेड भी बोला जाता है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि माउंट ऑफ डेड किसे बोला जाता है। ठीक है, विच साइड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन एज द माउंट ऑफ डेड। ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा चार। ठीक है, तो किसने खोज करी थी मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो की खोज करी थी RD बनर्जी ने 1922 में। ठीक है, ये भी पंजाब में, आज के यहाँ ग्रेट बाग, ग्रीनरी, ब्राउन्स में डांसिंग गर्ल मिली है, पशुपति मिले हैं, ठीक है, स्टैचू मिला है बियर्ड मैन का, पीस ऑफ वुमेन कॉटन मिला है। ठीक है, फिर सुतकेंदौर, सुतकेंदौर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्रेड पोर्ट, ये पोर्ट सिटी थी, पोर्ट सिटी, इसलिए इसको याद रखना, सुतकेंदौर। सुतकेंदौर स्टेन ने करी थी 1929 में, साउथ बलूचिस्तान के प्रोविंस में, आज के पाकिस्तान में, ट्रेड होता था हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो सुतकेंदौर याद रखने, पोर्ट सिटी है। ठीक है, चलो चन्नोदारो, ठीक है, इसको NG मजुमदार जी ने फाउंड करा था, सिंध ऑन द इंडस रिवर, यहाँ बीड मेकर, जो भी आपको जो बंगाल से रिलेटेड काम होता था ना, वो चंदारों में होता था। जैसे एक जगह मान लो, कोई एक जगह होती है ना लाइक, जो पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस होती है, उसमें ही एक चंदारू उस टाइम पे फेमस थी, बैंगल मेकिंग, शेल कटिंग, इस तरह की चीजों के लिए। फिर आती है आपकी अंबरी, अंबरी, ठीक है, ये NG मजुमदार, ये उनकी फोटो है NG मजुमदार जी की। ठीक है, 1925 में करा था, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस, ठीक है, एंटीलोप एविडेंस। ठीक है, फिर आती है आपकी काली बंगन, यहाँ बैंगल्स बनते थे, फायरल टार्स, ठीक है, जो अमन कुंड टाइप के होते हैं वो मिले हैं यहाँ पर, घोष जी ने करा था 1953 में, ये राजस्थान में है, रिवर गागर के किनारे। फिर लोथाल, ये इंडियन साइड है, ठीक है, ये जो है ना, ये तीनों इंडियन साइड है। ठीक है, लोथाल गुजरात में है आज के, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, फर्स्ट मैनमेड पोर्ट डॉक यार्ड मिला। ठीक है, फिर आपका आता है सुरकुंडा, सुरकुटटा, JP जोशी जी ने करा था गुजरात में, ये भी घोड़े की हड्डियां मिली हैं यहाँ। ठीक है, बानावाली, ये हरियाणा में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सबसे लेटेस्ट ये धोलावीरा, यहाँ वाटर रिजर्वायर मिले थे, पानी के जो रिजर्वायर होते हैं, ये है उनकी फोटो, RSBJ जी की, RSBJ जी, ये रहे RSBJ जी। ठीक है,
चलो आगे बढ़े, ठीक है। ये देखो मैंने फोटोज के लगाई ताकि तुम थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सी जगह कहाँ है, ठीक है। देखो ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। वैसे तो ये भी भारत ही था बट पार्टीशन के बाद अलग हो गया, ठीक है। देखो ये धोलावीरा गुजरात में है, सुरपुटा ये भी गुजरात में है, सोमनाथ लोथाल, देखो सुरकिंदौर, मैंने बोला था ना पोर्ट सिटी है, ये रहा सुरकिंदौर, ठीक है। ठीक है अमरी, अमरी भी पाकिस्तान में है, ठीक है। देखो आप हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में, रूपार, ठीक है, बनावाली, राखी गाड़ी, ठीक है, ये सब इंडिया में है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टाउन प्लानिंग कैसी थी इंदस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी वजह से उसे क्या बोला गया था, जिसकी वजह से उसे क्या बोला गया था, अर्बन सिविलाइजेशन बोला गया था, ठीक है। जो बेसिकली टाउन प्लानिंग थी ना गाइस, वो हाउस ऑफ कॉमन पीपल, मतलब देर इज अ डिफरेंस, मतलब एक बात बताऊं तो जैसे ना डिफरेंसिएशन होता है ना कि भाई जैसे मान लो कहीं पर्टिकुलर जगह में प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े मिनिस्टर रहते हैं और जो सिविलियन लाइफ होती है, तो उनके बीच में डिफरेंसिएशन होता है कि भाई ये एरिया डिफरेंशिएट करता है सिविल लाइफ और जो ऑफिशियल्स है। तो इसी तरीके से एक टाउन बोलते थे अपर टाउन, ठीक है, और एक को बोला जाता था लोअर टाउन। लोअर टाउन, लोअर टाउन, अपर टाउन को सिटाडल भी बोलते थे, किला बन टाइप, ठीक है, बंद रहता था चारों तरफ से, इसलिए इसको सिटाडल बोला गया है, ठीक है। ऐसे कॉमन हाउसेस होते थे लोगों के, देखो घरों के, जो मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ जनरल, जो आज भी आप देखते होंगे अपने मोहल्ले पड़ोसों में सोसाइटीज में, ऐसे नॉर्मल साथ साथ में घर होते थे। और फिर ऐसे ना ग्रिड पैटर्न में, ऐसे देखो ये स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट है, ये रूट है, ये रोड है, इधर से इधर चले जाओ, इधर से इधर चले जाओ, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। इस ग्रिड पैटर्न में स्ट्रीट थी, ठीक है, ठीक है। और जो सिटाडल मैंने जो बताया वो रेस प्लेटफॉर्म था, ठीक है, वहाँ पब्लिक मीटिंग, मार्केट एरियाज, ठीक है, हाउस ऑफ रूलर्स, जो जो देश के मान लो एक तरीके से वहाँ के लोगों के हेड थे, एडमिनिस्ट्रेशन हेड थे, वर्कशॉप लगती थी, ठीक है। और ना ठीक है ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे ये ग्रिड पैटर्न का स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये ऐसे टाउन प्लानिंग थी। और ऐसे बगल बगल में ऐसे घर थे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम की सबसे इंस्ट्रक्टिव बात कि जो घर होते थे ना, इस घर से ऐसे निकला ड्रेनेज, इस घर से ऐसे निकला, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल के ना ये सब ऐसे बाहर बाहर से निकल जाता था, मतलब ड्रेनेज पैटर्न इतने अच्छे तरीके से सेटल डाउन था कि घर का जो भी गंदा पानी या कुछ भी होता था वो सब ऐसे बाहर निकल जाता था ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू, ठीक है। ये सिटी की वॉल होती थी, ये मैं सिटाडल का बता रहा हूँ एक तरीके से, ठीक है, सिटाडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिटी की वॉल होती थी, ये पूरा ये सिटाडल है, ठीक है। और यहाँ होता था अंदर घुसने का सबसे इम्पोर्टेंट मेन गेट, ठीक है, या नगर में घुसने का, लोअर टाउन अपर टाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझे। इस तरीके से पैटर्न था इसकी टाउन प्लानिंग, इतनी स्ट्रक्चर्ड वे में थी, इसलिए इसको अर्बन सिविलाइजेशन बोला था। क्यों? क्योंकि इसकी कई चीजें क्या आज भी हम ये चीज फॉलो करते हैं, डबल स्टोरी घर थे भाई, समझे। अब आर्किटेक्चर कैसा था इंदस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है, देखो मैंने बताया था तुम्हें, ये देखो ये रहा सिटाडल, ठीक है, ये सिटाडल देखो नॉर्मल वही लोगों के घर, ठीक है, ये रूलर्स के घर एक तरीके से बड़े, ठीक है, ये है सिटाडल, ये है लोअर टाउन, ठीक है। लोअर टाउन जैसे ये डिफरेंशिएट करना हो तो ये लोअर टाउन के लिए घर हो गए, अपर टाउन के होगा, और बीच में ऐसे गैप होता था, यहाँ आने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। आर्किटेक्चर में क्या था, जो अर्बन सिटी थी बहुत रिमार्केबल टाउन प्लानिंग थी, एक्सीलेंट सिस्टम ड्रेनेज और सैनिटेशन का था, तो मैंने आपको बता दिया। और दो पार्ट्स में डिवाइड था, एक का नाम था सिटाडल माउंट बिल्ड ऑन द हाई, जो हाई हाई प्लेटफॉर्म पे बनते थे, ठीक है, ठीक है, मड ब्रिक, ठीक है। और दूसरा होता था मेन हब रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है, ठीक है, जो ब्रिक वॉल से घिसा रहता था। दूसरे एरिया को क्या बोलते थे, लोअर टाउन बोलते थे। फिर आता है बिल्डिंग मटेरियल्स, क्या क्या यूज होता था बिल्डिंग मटेरियल्स में, आपका नो स्टोन बिल्ड हाउस इन द सिटीज एंड स्टेयर केसेस ऑफ बिग बिल्डिंग्स वर सॉलिड, बिग बिल्डिंग सॉलिड होती थी, ठीक है, रूफ फ्लैट होती थी, छतें, ठीक है, वुड की बनती थी। मटीरियल यूज होता था बर्न बर्न ब्रिक्स, जो भट्टी में जो मिट जो पत्थर ईंटें होती हैं, ठीक है, और सन ड्राइड ब्रिक्स, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, इसको मैंने आपका एक झलक तो दिखाई दी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एडवांस ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम था, हर हाउस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रेन्स थे, ठीक है, ऐसे घर जो मैंने आपको बताए थे ऐसे करके, फिर ऐसे करके जो निकल रखा था घर के पीछे से ऐसे, ताकि घर में कोई ऐसा उसका डिफरेंसिएशन रहे, ठीक है, ठीक है, रोड पैसे निकलता था, ठीक है। और स्टोन स्लैब जो होते थे उनसे वो ड्रेनेज का जो एरिया रहता था जिनसे नीचे होता था उनसे वो कवर रहता था, स्टोन स्लैब्स पड़ी रहती थी, आज भी देखी होंगी आपने, ठीक है।
फिर आती है आपकी ग्रेट ग्रीनरी। ग्रीनरी मतलब जहाँ आपका क्या मिल, जहाँ क्या रखा जाता है एक तरीके से भंडार घर, जहाँ आपका खाना स्टोर करा जाता है, जैसे होता नहीं कि भाई गोदाम, गोदाम बोल सकते हो आप, ठीक है, शहर का एक तरीके से। तो ग्रेट ग्रीनरी हड़प्पा में मिली 161 फीट × 135 फीट की, ठीक है, 2 रूम टेनमेंट्स थे, कॉमन यार्ड था। फिर एक मिला ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या है ना, ग्रेट बाथ में ऐसा माना जाता है, जो ग्रेट बाथ था वो एक अर्बन प्लानिंग का बहुत बड़ा लैंडमार्क था, ठीक है। कोई भी स्पिरिचुअल या कोई भी रिचुअल होना होता था, ठीक है, वो इसमें होता था, ठीक है, इस तरीके से, इन दैट सेंस। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम बता देता हूँ मैं आप लोगों को, मूवी का नाम है, आपने देखी होगी मोहनजोदारो, जिसमें ऋतिक रोशन है, वो देखना। उसमें ग्रेट बाथ थोड़ा दिखा रखा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट दिखाया है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल पर्पस के लिए, रिचुअल्स निभाने के लिए ग्रेट बाथ का यूज करा जाता था, ठीक है। ये है ग्रेट बाथ, ऐसे उतरते थे सीढ़ियों से, ऐसे पानी होता था इनमें पूरा, ठीक है। ठीक है, चलो, एग्रीकल्चर कैसा था भाई साहब, एग्रीकल्चरल डोमेस्टिकेशन कैसी थी एनिमल्स की, ठीक है। कई तरह के वाइड रेंज ऑफ प्लांट एनिमल्स प्रोडक्ट्स मिले हैं, इवन फिश भी मिली हैं, ठीक है। और डाइटरी प्रैक्टिस और चर्ड ग्रेन सीड जो फॉलो करते थे, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट ने पाई है, ठीक है। ग्रेन कॉर्न्स मिली हैं, ग्रेन्स मिली हैं कहाँ, हड़प्पा की साइड्स में, जिसमें आपके ग्रेन्स में क्या आ जाते हैं, गेहूँ, मक्का, ठीक है, शीशम हो गया, चने हो गया, ये सब चीजें मिली हैं, ठीक है। मिलेट्स मिले हैं गुजरात की साइड्स में, और चावल बहुत रेयरली पाया गया है वहाँ। बोलते हैं कि ऐसा माना जाता है कि चावल जो होते हैं वो लोग कम खाते थे, और चावल की खेती बहुत रेयरली है, और स्पेशली जानवरों की हड्डी मिली है कहाँ, हड़प्पा की साइड में, जिसमें आपका कैटल हो गया, शिप हो गया, गोल्ट हो गया, बफेलो हो गया, पिग एनिमल्स हो गए, ठीक है, जो डोमेस्टिकेटेड के लिए यूज करे जाते थे, जैसा आज भी हम यूज करते हैं। और वाइल्ड स्पीशीज में आपको बोर, डियर, घड़ियाल, इन सब की क्या हड्डियां मिली है। और वी डो नॉट नो वेदर द हड़प्पन हंट दिस एनिमल देमसेल्व्स और ऑब्टेन, और ये अभी तक मिस्ट्री है, अभी तक पता नहीं कर पाया आर्कियोलॉजिस्ट कि भाई वो हड़प्पा जो थे वो खुद मारते थे मीट, या अपनी हड्डी कम्युनिटी से लड़े झगड़ के लेते थे, ठीक है। फिश और फॉल दोनों की हड्डियां मिली हैं, ठीक है। चलो आगे, एग्रीकल्चर कैसा था भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सील्स एंड टेराकोटा स्कल्चर, ये टेराकोटा स्कल्चर होते हैं, ठीक है, ये सील्स होती हैं जिसपे, ये देखो, ये एक एनिमल प्रिंट छाप देते हैं, ठीक है, जिसमें इंडिकेट करते थे कि बुल वॉज नोन, बुल मतलब सांड, जो आपको एग्रीकल्चर करते यूज करते हो ना, अपने गाँव गाँव में देखा होगा, ठीक है। और ऑक्सन, ऑक्सन मतलब वो जो पीछे से वो लगा के जो हल जोतवाते थे, जोतवाते हैं सांडों को, उसको ऑक्सन बोलते हैं, प्लगिंग के लिए, खुदाई के लिए, ठीक है। टेराकोटा मॉडल्स मिली हैं कहाँ, चौलिस्तान में और बानावाली में। और आर्कियोलॉजिस्ट ने प्लग शेड मतलब खुदे हुए क्या जमीन के टुकड़े मिले हैं कहाँ, कालीबंगा राजस्थान में, अर्ली हड़प्पन लेवल्स में, ठीक है। और फील्ड हेड जो वो दो साइड, टू सेट्स ऑफ 4 राइट्स, मतलब ऐसा है कि मान लो ये, अगर ये प्लग शेड्स एरिया है ना, तो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर किसी और की खेती हो रखी है, इधर कुछ और, इधर कुछ और, मल्टीपल मतलब मल्टीपल ग्रेन्स उगाए गए हैं, मल्टीपल क्रॉप करी गई है, क्रॉपिंग करी गई है, दो तरह के डिफरेंस की, इधर कुछ और उगा रहे हैं, इधर कुछ और उगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो मोस्ट हड़प्पन साइट थी ना, वो सारी सेमी एरिड एरियाज में मिली है, सेमी एरिड लैंड में, ठीक है, जहां पर प्रॉपरली एरिगेशन अवेलेबल था। और कैनाल्स, कैनाल मतलब नहरों के ट्रेसेस मिले हैं कहाँ, छोड़ तो गई अफगानिस्तान में, जो पंजाब, जो आज के अफगानिस्तान में है, बट पंजाब और सिंध में नहीं मिली, ठीक है। और इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स, जो वाटर पानी था वो कुओं से ले जाता था इरिगेशन के लिए, ऐसे ही रिजर्वॉयर मिले कहाँ, गुजरात धोलावीरा में, जिससे हमें चीज पता चली है, ठीक है, ताकि हम एग्रीकल्चर के लिए वाटर क्या कर सकें, स्टोर कर सकें, इसलिए वाटर रिजर्वॉयर मिले, समझे। चलो फिर क्राफ्ट के बारे में अगर हम बात करें थोड़ी, क्राफ्ट प्रोडक्शन, चौंदारों को हब था क्राफ्ट्स का, ठीक है, क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, जिसमें आपकी बीड मेकिंग हो गई, ये शेल कटिंग हो गई, शेल्स को काटना हो गया, मेटल वर्क हो गया, ठीक है, सील मेकिंग हो गया, वेट मेकिंग हो गया, वेट्स नहीं होते 5 किलो 10 किलो ऐसा करके, छोटे छोटे जो क्यूबिकल्स में बनाए जाते हैं, ठीक है। और इन बीड्स बनाने के लिए ना, बहुत बड़े, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोन का काम यूज होता था, जो बहुत प्रीशियस होता, उसका नाम है कैरेलिन, जो ब्यूटीफुल रेड कलर का था। और भी थे, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, सिटेडाइट, मेटल्स यूज होते थे, मेटल्स नॉट आयरन, लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ठीक है, ठीक है। और जो शेप्स थे ना, वो कई न्यूमेरिकल, न्यूमेरियस शेप में था, कि डिश शेप हो गया कोई, ऐसे ही सी कोई शेप दे दी, सिलेंड्रिकल शेप हो गई, ठीक है, स्पेरिकल शेप हो गई, ठीक है, बैरल शेप हो गया, इस तरह की सेगमेंट्स में बनाए जाते थे। और जो टेक्निक होती थी ना, वो ग्रेडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, ठीक है, पूरा प्रोसेस करा जाता था। और ये ड्रिल स्पेशली, इस तरह की चीजें कहाँ मिली, चौंदारो
लोथाल में, और मोस्ट रिसेंटली धोलावीरा में। नागेश्वर और बालाघाट बोर सेटलमेंट्स नियर तक पहुंचे, दोनों कोस्ट की तरफ थी, ठीक है। और इसमें जो स्पेशलाइज सेंटर्स थे उनमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिले हैं आपके? बैंगल्स मिले हैं, लेडल्स मिले हैं, ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम सच एज बीड्स, ये जो मालाएं होती हैं, फ्रॉम चौंदारो एंड लोथाल वर टेकन टू लार्ज अर्बन सेंटर। मतलब बेसिकली जो चौंदारो थे और जो लोथाल थे, वहां से ये जो बीड्स होती थी, जितना भी ये क्राफ्ट का काम होता था, ये सब क्या होता था, जाया जाता था कहाँ, बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स में। जैसे मान लो एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें दूँ तो ये मान लो कि अगर कानपुर में जूते चमड़े की फैक्ट्री है, तो वहां से जूते मुंबई दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा जाते थे चंदारो लोथा से, समझे, एक दैट सेंस। चलो फिर प्रोक्यूरमेंट ऑफ क्राफ्ट मटेरियल, प्रोक्यूरमेंट कैसे करी जाती थी, कैसे प्रोक्योर करा जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन है, ठीक है। इसका नाम याद रखना, लैपिस लूजली बोलते हैं इसे, ठीक है, लैपिस लूजली ब्लू स्टोन होता है, बहुत हाई वैल्यू होती थी, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन वेरियस तरीके थे, उन्होंने अपनी सेटलमेंट्स बना रखी थी नागेश्वर बालाकोट में, ठीक है। और अदर साइड जो थी प्रोक्योरमेंट्स की, वो थी आपकी शॉर्ट हो गई, जहाँ से आपका सोर्स मिलता था लैपिस लूजली, एक ब्लू कलर का स्टोन जो अपेरेंटली वेरी हाई वैल्यूड था। लोथल विच वॉज नियर सोर्स ऑफ कैरेलियन गुजरात में, तो वहां से स्टेट राजस्थान से स्टेडाइट और मेटल राजस्थान से एक्सपेडिशन भेजे थे खेतरी रीजन में, पाकिस्तान राजस्थान के कॉपर ढूंढने के लिए, क्योंकि वहाँ कॉपर मिलता था साउथ इंडिया में गोल्ड के लिए, ठीक है। वहाँ के लोकलों से कम्युनिकेट करते थे, उनसे वो चीज़ें खरीदते थे, फिर अब वापस आते थे, फिर वो बनाते थे, फिर वो बड़े बड़े शहरों में एक्सपोर्ट करते थे, ये है कहानी, समझे। हाँ, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने यही पढ़ा कि जो एक्सपेडिशन थे, जो प्रोक्योरमेंट था क्राफ्ट मटेरियल्स के लिए, वो खेतर रीजन में राजस्थान से कॉपर लिया जाता था, गोल्ड के लिए साउथ इंडिया जाया जाता था, कर्नाटक रहा, ठीक है, ठीक है। और ऐसे वहाँ के लोकलों से वो कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, फिर लोकल उनकी हेल्प करते थे, और जब लोकल उनकी हेल्प करते थे, फिर वो सारा सामान प्रोक्योर करके कहाँ जाते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन सिटीज में, जैसे चौंदारो, ठीक है, वहां वो चीजें बनती थी, फिर वो बड़े बड़े जो महानगर थे, जैसे मोहनजोदारो, ठीक है, और दूसरा आपका हड़प्पा, ऐसी जगहों में उसे क्या करा जाता था, एक्सपोर्ट करा जाता था, बेचा जाता था, एक तरीके से व्यापार करा जाता था, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है ट्रेड की, ठीक है। देखो डिस्टेंट लैंड से उनका ट्रेड होता था, ठीक है, क्यों, क्योंकि ओमान के जो ओमानी कॉपर है और जो हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें निकल के ट्रेसेस पाए गए हैं, कॉमन ओरिजिन बताया गया है, ठीक है। तो इसी चीजें जाहिर होती हैं कि जो ट्रेड होता था वो आपस में तो होता ही था सिटीज के बीच में, बट वो इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब डिस्टेंट कंट्रीज, मतलब सब कॉन्टिनेंट एरियाज में भी होता था, कि कहाँ पर्चियन गुल्फ है, यहाँ से मेल हुआ, यहाँ से ऐसे ट्रेड हो रहा है, ऐसे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, ऐसे ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे ट्रेड होते थे, ठीक है। कई तरह के, देखो उसमें लिखा ही ना, देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट एज वेल, डिस्टिंट टाइप्स ऑफ वेसल, लार्ज हड़प्पन जार, बड़े बड़े हड़प्पन जार मिले हैं, कोटेड जिसमें थिक लेयर बनी है ब्लैक क्ले से, जो ओमानी साइड, ओमान के साइड पे भी मिले हैं, ठीक है, हड़प्पन जार मिले हैं ओमान की साइड्स पे, तो तुम इससे आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, ठीक है। मेसोपोटामियन टेक्स्ट डेटेबल टू द थर्ड मिलीनियम रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम द, जो मेसोपोटामिया के जो डाटा है टेक्स्ट है, उसमें मिला है कि जो कॉपर था वो रीजन मगन, मैगन, मैगन नाम की जगह थे, जिसको आज ओमन बोला जाता है, वहां से ये चीजें क्या पाई गई है, ठीक है, और ये चीजें कहाँ, मेसोपोटामिया में पाई गई है, ठीक है, ठीक है। और मेसोपोटामिया के जो टैक्सेस हैं, वो बोलते हैं कि इनका कांटेक्ट था दिलमुन, जो आज का बहरान है उसका नाम दिलमुन था, मैगन से, मेलुआ से, हड़प्पन रीजन का आपस में इनका ट्रेड होता था, क्यों, क्योंकि इनके आपस में, जैसे हड़प्पा में ओमानी कॉपर मिल गया, ठीक है, ओमान में हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स मिल गए, इस तरह की चीजें होती थी, और जो ट्रेड होता था ये होता था बाय सी, ठीक है, ठीक है। और जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट है, रेफर टू मेल हुआ को बोला जाता था एज अ लैंड ऑफ सी फेरर्स, ठीक है, समझे, और फाइन डिपिक्शन ऑफ शिप्स एंड बोट्स ऑन सील्स, क्योंकि जो सील्स होती थी ना, उस पे डिपिक्शन बनी हुई थी शिप्स और बोट्स की, जैसे वो मैंने आपको फोटो दिखाई थी ना, वैसे, समझे। चलो अब आती है सील्स की बारी, देखो ये होती है सील, ठीक है, मोहर। सील्स का बेसिकली काम ही होता था कि वो लॉन्ग डिस्टेंस जो आपका ट्रेड होता था, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, मतलब मान लो कि अगर आप यहाँ से गए हो, यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हो, मान लो मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली का अगर कोई राजा है या कोई भी है, उसने ना अपनी सील लगा के उस पर लगी होती है, तो जिससे इंडिकेशन ये मिल जाता था कि अगर ये मुंबई जा रही है, जिसको देनी है, तो उस पर इंडिकेशन मिल जाता था कि भाई किस इंसान की है, फलाना इंसान की वो है, ठीक है।
और उससे ये भी होता था कि वो सील इसलिए लगा दे ताकि इसे खोले ना, और अगर सील टूट जाए खुल जाए तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसे यूज मतलब खोल दी गई है, ठीक है। तो एक तरीके से वेट के लिए उसको ऐसे में स्टैम्प मार के ऐसे बिल्कुल, ठीक है, इंप्रेशन टाइप, ठीक है। देखो उसमें लिखा भी है, सीलिंग कन्वे द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, ठीक है। एनिगमेटिक स्क्रिप्ट हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग, जिसमें नेम लिखा रहता था, ये देखो ये मान लो लैंग्वेज में लिखा है उनकी, टाइटल होता था और ऑनर, ठीक है, और मोटिव, जैसे जनरली एनिमल्स के मोटिव्स होते थे। देखो ये जैसे बन रखा है ना, यूनिकॉर्न है ये, एक सिंग वाला, ठीक है, ठीक है। और मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, सबसे सोडी इंस्क्रिप्शन जो होती थी वो शॉर्ट होती थी, और सबसे लॉन्गेस्ट कंटेनिंग जो इंस्क्रिप्शन होती थी वो होती 26 साइंस की, 26 साइन, ठीक है। और ऐसा माना गया है कि अभी जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफाइड है अभी तक, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि उनपे वॉवल्स और कॉन्स्टेंट मतलब ए आई ओ यू इस तरह की चीज यूज होती थी, और कम से कम 375 से 400 साइंस के वो थे उसमें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, लेफ्ट से राइट लिखा जाता था, मतलब आप लोग ऐसे लिखते हो ना जैसे सील्स, देखो मैं राइट से लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, बट वो लोग ऐसे लिखते थे सील्स, पता नहीं ऐसे इन दैट सेंस, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं वेट्स मेजर, जिससे वेट्स मेजर करते हैं। देखो होता नहीं कभी सब्जी लेने जाऊंगा तो ऐसे तराजू में तोलता है, तो उन वेट की बात हो रही है, ठीक है। प्रिसाइज सिस्टम वेट्स का होता था, ठीक है, क्यूबिकल शेप में होते थे। डिनोमिनेशन वेट्स का क्या क्या होता था, 1, 2, 4, 16, 32 और 1280 तक का था, ठीक है। हायर डिनोमिनेशन डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे ये लोग, ठीक है। प्रोबली यूज फॉर वेइंग ज्वेलरी और बीड्स को वेट करने के काम आता था। मेटल स्केल पेन्स थे वो भी पाए गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन करनी थी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, एक स्टोन स्टैचू वॉज लेबल एंड कंटिन्यू टू बी नोन एज द प्राइस किंग, ये जिसकी फोटो लगा है, प्रीस्ट किंग मिला है एक, ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो प्रीस्ट था वो किंग था वहाँ का, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो ढूंढा है, ठीक है। और ये मेसोपोटामियन की हिस्ट्री से सिमिलर है, ठीक है। और सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी में नो रूलर और एवरीबडी इंजॉय इक्वल स्टेटस, ठीक है। अदर्स फील देर वॉज नो सिंगल रूलर बट सेवरल दैट मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, ठीक है। ऐसा माना जाता है, अलग अलग थ्योरी हैं, किसी का मानना था कि वहाँ कोई रूलर नहीं था, किसी का मानना था कि सब इक्वल स्टेटस अपना इंजॉय करते थे, किसी का मानना था कि नो सिंगल रूलर सही सारे थे, और किसी का मानना था कि मोहनजोदाड़ो में था हड़प्पा में नहीं था, या हड़प्पा में था मोहनजोदाड़ो में नहीं था, इस तरह के आर्ग्यूमेंट चलते हैं, ठीक है। और ऐसा कई आर्ग्यूमेंट देता है कि सिंगल स्टेट थी, ठीक है, सबको सिमिलरिटीज मतलब सबको एक समानता दी जाती थी, ठीक है। और मोस्ट पैलिसिबल थ्योरी ये है कि एंटायर कम्युनिटीज कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्पिटिशन, मतलब सब एक साथ कलेक्टिवली इकट्ठे, ठीक है, वो कोई भी किसी भी चीज़ के डिसीजन के कंक्लूजन पे पहुंचते थे, फिर आके वो चीज़ें करते थे, समझे। देखो ये है प्राइस्ट प्रीस्ट की, समझे। चल आगे, एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, इस पर भी कई सारी थ्योरीज है, ठीक है। एविडेंस मिले 1800 BC में, ठीक है, मॉरिशियस हम्पन साइट्स रीजन से चोलिस्तान हैज बीन एमिनेंट, मतलब त्यागना, ऐसा माना जाता है कि त्यागा गया था IBC की साइट्स को, जो वेस्टर्न की साइड वेस्ट इंडिया की साइड में थी, उनको त्याग के लोग फिर गंगा घाटी की तरफ बढ़ गए थे सिंधु घाटी से, ठीक है, ठीक है। और देर वॉज एक्सेप्शन, पॉपुलेशन एक्सपेंशन, पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हुआ, न्यू सेटलमेंट बसी कहाँ, गुजरात में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के, जो गंगा जो डोब गंगा डोब वाला गंगा यमुना डोब वाला एरिया था। कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस भी बताते हैं कि डिफॉरेस्टेशन बहुत हो गई थी, तो एक्सेसिव फ्लड आ गया था, तो लोग फिर ड्राइंग अप नदियाँ सूखने लग गई और लैंडस्केप का ओवर यूज होने लग गया था, ठीक है। और मे होल्ड सर्टेन सेटलमेंट बट डू नॉट एक्सप्लेन द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सेटलमेंट, एंटायर सेटलमेंट का पर्टिकुलर कोलैप्स नहीं बताया, बट कोई बोलता है कि क्लाइमेटिकल चेंज था, ठीक है, कोई बोलता है आर्यंस ने अटैक कर दिया था, एक आर्यंस वाली थ्योरी बहुत चलती है कि आर्यंस का अटैक हो गया था, समझे। चलो रिलीजियस प्रैक्टिस क्या क्या थी, ठीक है, टेराकोटा फिगरिंग मिली है, एक वुमेन मिली हैवीली ज्वेल्ड, ठीक है, जिसको मदर गॉडेस बोला गया, देखो ये उनकी, ठीक है, ठीक है। एक प्रीस्ट किंग मिला जो मैंने आपको पहले फोटो दिखा चुकी है। फायर अल्टार मिले हैं ग्रेट बाद, कहा कालीबंगन में, कहा मिला फायर अल्टार, कालीबंगन में, PYQ है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अटैम्प ऑल्सो मेड टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिस बाई एग्जामिंग सील्स, ठीक है। फिर एक योगिक पोस्चर में क्या मिला है, एक प्रोटो शिवा, देखो ये मिला है कि ऐसा माना जाता है कि ये ना वो थे क्या बोलते हैं शिव जी रुद्रा, उनका अवतार है, तो ऐसा माना जाता है कि शिविज्म उस टाइम माना जाता था, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ऋग्वेदिक और इनमें डिफ्रेंशिएशन है इस चीज को लेके,
ठीक है, और कई एनिमल्स के वन हॉर्न एनिमल में मिला है, उसके उस पे सील्स पे मिला हुआ जो मैंने आपको दिखाया था, यूनिकॉर्न बोलते हैं उसे, वो मिले हैं। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिस शो करती है चीजें कि योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है, एक डिपिक्शन के हिसाब से वो प्रोटो शिवा है, ठीक है, जो एक अर्ली फॉर्म ऑफ द मेजर डेटीज है हिंदुइज्म की। ठीक है, समझे। चलो अब हमारा सेकंड टॉपिक शुरू हो रहा है गाइस, शॉपिंग टॉप। सेकंड टॉपिक है हमारा वैदिक एज। ठीक है, अब तक हमने इंदस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया। ठीक है, चार वेद होते हैं हमारे। ठीक है, पहला वेद कौन सा है? पहला वेद हमारा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, ये सारे हमारे चार वेद हैं। ठीक है, चलो वैदिक एज देखो। वैदिक एज वो टाइम था, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज फॉलोड बाय अनदर ग्रेट सिविलाइजेशन कल्चर नोन एज वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर की बात हो रही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद आते हैं तुरंत वैदिक कल्चर, जिसमें हमारे हम जो हमारे वेद की चीजें हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, तभी इसका नाम वैदिक एज रखा गया है। ठीक है, वैदिक टेक्सेस आर द प्राइमरी सोर्स फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक कल्चर। ठीक है, ये तो आप ऑब्वियस सी बात है, जो वैदिक टेक्स्ट है वो प्राइमरी सोर्सेज हैं वैदिक कल्चर और वैदिक एज को जानने के लिए। ठीक है, वैदिक टेक्स्ट आर बिलीव द कंपोज इंडो आर्यंस ने बनाया था, और ऐसा मानते हैं वो सेंट्रल इंडिया से आए थे। ठीक है, इंडो इरानियन थे, ये इंडो यूरोपियन फैमिलीज थी। और ऋग्वेद कंपोजर डिस्क्राइब देमसेल्व्स अ आर्य, जो ऋग्वेद के कंपोजर्स थे वो अपने आप को आर्य डिपिक्ट करते थे। ठीक है, ड्राइव फ्रॉम ए आर मीनिंग टू कल्टिवेट, और लिटरली इसका मतलब होता था किन्समैन कंपेनियन, मतलब नातेदारी टाइप। ठीक है, और संस्कृत, इन संस्कृत में इसका मतलब होता था न्यू कमर्स एंड लेटर इम्प्लांट मैन ऑफ गॉड और फैमिली, बाद में इसको क्या बोला गया, मैन ऑफ गुड फैमिली और नोबल। ठीक है, इन आर्यन आर्यस के लिए यूज हुआ। ठीक है, फिर आते हैं अर्ल वैदिक और वैदिक सिविल ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, देखो जो ओनली सोर्स है वैदिक कल्चर का वो है वैदिक लिटरेचर्स, जिसमें आपका सबसे पहले आया था ऋग्वैदिक कल्चर, जिसमें आपका ऋग्वेद संहिता, अदर टेक्स्ट ऑफ फैमिली, फैमिली बुक्स एज देयर कंपोजिशन एट्रीब्यूटेड टू द फैमिली ऑफ सर्टेन सीर पोएट्स, जिसमें विश्वामित्र ऋषि, महर्षि विश्वामित्र, अत्रि, गृष्टमदा, वशिष्ठ, भारद्वाज, इन सब के बारे में वर्णन लेते हैं। ठीक है, फिर लेटर वैदिक कल्चर में क्या आ जाता है, जो 1000 से 500 BCE के बीच में था। ठीक है, उसमें आपके आ जाती है बुक 1, 9, 8, 10 ऑफ ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद का। ठीक है, इसमें संहिता आ जाती है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है, ये सारे जितने भी हैं सारों चारों वेदों में से निकल रखे हैं, अटैच्ड हैं एक दूसरे से। ठीक है, वैदिक लिटरेचर अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, ऋग्वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स है वैदिक सिविलाइजेशन को समझने के लिए, वो है वैदिक लिटरेचर। सबसे पहले जान लो कि वेद का मतलब क्या होता है, मतलब नॉलेज, और वैदिक लिटरेचर हैज इन्वॉल्व कोर्स ऑफ मैनी सेंचुरीज। ठीक है, बहुत सारी सेंचुरीज का इकट्ठा करा हुआ ज्ञान, जो जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू पास करा जा रहा है। ठीक है, एंड दे वर कंपाइल्ड एंड रिटन डाउन अर्लियर सर्वाइविंग मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट है वो है 11th सेंचुरी में लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, दे आर फोर वेद्स एंड वेदास जनरली हैज फोर पार्ट, जिसके चार पार्ट्स हैं, जिसको जो डिवाइडेड है संहिता में, ब्राह्मणा में, आर्यानिका में और उपनिषद में, और चार वेद है हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। ठीक है, और सबसे पहला जो हमारा वेद आता है वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ओल्डेस्ट वेद है, ओल्डेस्ट वेदा डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल इन इंडिया। ये थोड़ा ना ऐसा हो रहा है एक के ऊपर, इसमें लिखा डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल इन इंडिया। ठीक है, ऋग वेदा हैज बीन इंक्लूडेड बाय यूनेस्को लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज, जिसमें 1028 हाइमंस लिखे हैं, सुक्तास बोलता है हाइमंस को, और 10 पार्ट में, मतलब 10 मंडल्स और 10 बुक्स में डिवाइडेड है। तो जो मंडल 2 से 7 तक का है वो ओल्डेस्ट पार्ट माना जाता है ऋग्वेदा संहिता का, जिसको बोला गया फैमिली बुक। ठीक है, फिर आता है आपका मंडला ए, जिसमें लिखा है द हेमंस आर डेडिकेटेड टू वेरियस गॉड्स एंड हैव बीन मोस्टली कंपोज बाय कन्वक्लेन। ठीक है, मंडला 9 में क्या है, मंडला 9 में ऋग्वेद की बात हो रही है, हाइमंस है जो सोम, सोम मतलब एल्कोहल, उससे रिलेटेड है। दूसरा मंडला 1 में क्या है, जिसमें इंद्रा, अग्नि, वरुणा, सूर्य, मित्र, रुद्र, विष्णु, इन सारे गॉडेस जो डेमी गॉड्स होते हैं, देवी देवता, उनके बारे में वर्णन है। मंडला 10 में है नति सुतुति सुक्ता, ठीक है, जिसमें रिवर्स के बारे में बताया गया है, नस दिया सुक्ता और पुरुष सुक्ता। इट कंटेन हाइमन दैट आर ट्रेडिशनल चैंटेड ड्यूरिंग द मैरिज एंड डेथ रिचुअल्स। ठीक है, इनमें ही डेथ रिचुअल्स और हमारे मैरिजों के बारे में लिखा है। ठीक है,
ओनली सर्वाइविंग रिसेशन ऑफ ऋग्वेदा, जो सर्वाइविंग रिसेशन है वो शाकला शाका वाला ही ऋग्वेदा का रुका हुआ है अभी तक, ठीक है। और उपवेदा ऑफ ऋग्वेदा इज द आयुर्वेदा। देखो उपवेद होते हैं जैसे थीम के सब थीम हो गए, ऐसी जो ऋग्वेद का उपवेद है वो क्या है, आयुर्वेदा, ठीक है, याद रखना ये बात। चलो फिर आता है आपका सामवेद। सामवेद को बोलते हैं वेद ऑफ चैंट्स, ठीक है, जिसमें बेसिकली कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ड्रॉन ऑलमोस्ट फुल्ली फ्रॉम द ऋग्वेदा दैट प्रोवाइड म्यूजिकल नोटेशंस के बारे में, राग भैरवी जो हमारा म्यूजिक्स है उनके बारे में रिलेटेड है, सेक्रेट सॉन्ग्स के बारे में है, ठीक है। और इट कंटेन द फेमस द्रौपद राग। सॉम वेद में ही क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि द्रौपद राग कौन से वेद में है, तो जो द्रौपद राग है वो कहाँ है, सॉम वेद में ही आती है, जो बाय तानसेन, तानसेन ने गाए थे टाइम एक बहुत बेहद सिंगर थे, गूगल करना इनकार में थोड़ा पढ़ना। और शाकास ऑफ सामवेदास क्या है, कुतुम्पा जमिनिया, ठीक है, और राना इनका। और इसी का उपवेद क्या है सामवेद का, गंधर्व वेद। गंधर्व मतलब नृत्य डांस ये सब, इसको ये गंधर्व आर्ट होती है, ठीक है। तीसरा आता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद आता है आपका वर्शिप और रिचुअल नॉलेज से रिलेटेड, ठीक है, जो डील करता है कैसे सेक्रीफाइसेस से, पूजा अष्टानों जितने भी हमारे होते हैं। और ये डिवाइडेड है दो पार्ट, इसमें शकुल यजुर्वेद में वैजयसन और वाइट वाइट यजुर्वेदा जिसको बोला जाता है। इट कंटेन ओनली मंत्रास, इसमें है मंत्रास के बारे में, मंत्र जो है, और इसमें मध्य दिना और कान्वा रिसेशंस के बारे में लिखा है। फिर आता है आपका कृष्णा यजुर्वेद जिसको ब्लैक यजुर्वेद बोला जाता है, इसमें एक्सप्लेनेशन है, कमेंट्रीज है मंत्रास के ऊपर, जिसमें इटकन कथ्या मैत्रयानी तैत्रिया कपिस्थला शखला भी बोलते हैं इसको। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद, धनुर्विद्या जो होती है, ठीक है, धनुर्विद्या, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट आता है आपका अथर्ववेद, ठीक है, इसमें मैजिकल स्पेल्स के बारे में है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, जितने भी ईवल स्पिरिट्स हैं उन सबको दूर भगाने के लिए उससे रिलेटेड जो भी स्पेल है मंत्र है वो सब अथर्ववेद में लिखा है, ठीक है। और इट कंसिडर्ड अ नॉन आर्यन वर्क, ठीक है, नॉन आर्यन द्वारा ऐसा माना जाता है कि वर्क नॉन आर्यन का है, जिसको 20 खंड में, बुक्स 20 भाग बुक्स में डिवाइड कर रखा है, 711 हेमंत है, ठीक है। और इसमें इट कंटेन शौंका एंड पेपलता रिसेंशन। और उपवेदा का अथर्ववेद क्या है, शिल्पवेद मतलब आर्किटेक्चर, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है। उपवेदा याद रखना किसके कौन से उपवेदा है। फिर आते हैं ब्राह्मण्स, ठीक है, बेसिकली द मीनिंग ऑफ वैदिक हवन, देयर एप्लीकेशन एंड स्टोरीज ऑफ देयर ओरिजन, ईच वेद हैज सेवरल ब्राह्मण अटैच टू इट, ठीक है। ऐत्रेय और कष्टमी ब्राह्मण्स वर अलॉटेड टू ऋग्वेदा, जो ऐत्रेय और कष्टाकी ब्राह्मण्स है वो अलॉटेड है किसको, ऋग्वेदा को। तांड्य और जैमिनिया ब्राह्मण सामवेद को, तैत्रिय और सतपता ब्राह्मण यजुर्वेद को, गोपद ब्राह्मण और ठीक है अथर्ववेद के लिए, ठीक है, याद रखना ये बात। फिर आते हैं आर्यांकियास। आर्यांकियास बेसिकली मतलब होता है फॉरेस्ट बुक, जिसमें फॉरेस्ट के बारे में लिखा है, ठीक है, कि जंगल में लाइफ कैसी होती है, जो उनके उनके पीपल्स उनके लोगों के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। दे ले एम्फसाइज नॉट ऑन सेक्रीफाइसेस, मेडिटेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, एंड दे आर इन फैक्ट अपोज द सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस को क्या रिचुअल जो होते हैं उनको अपोज करते हैं। और दे कंक्लूड द पोर्शन ऑफ द ब्राह्मण्स एंड इंटरप्रिटेड रिचुअल्स इन द फिलोसफिकल वे, जो भी रिचुअल्स हैं जितने भी हमारे उन सबको इन्होंने फिलोसफिकल वे में अपने आर्यांकियास में लिखा है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर वन, और 108 उपनिषद है जिसमें से 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें आत्मा और ब्रह्मा ब्रह्मा ठीक है कि अहम ब्रह्म यास्मि, ब्रह्मांड है यूनिवर्स है और हम एक आत्मा है, जिसमें इसके कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दिया गया है। स्टेट दैट द कोर ऑफ वन सेल्फ इज नाइदर द बॉडी, जिसमें बोला गया कि ना हम ये बॉडी है ना हम ये माइंड है, बट हम एक आत्मा है, एक सोल है। इट फर्दर पॉइंट आउट दैट द कोर ऑफ ऑल क्रिएचर इज द आत्मा इट सेल्फ एंड कैन बी एक्सप्लेन थ्रू द मेडिटेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू उपनिषद द ब्राह्मण इज अंडरलाइन सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, उपनिषद के हिसाब से जो ब्राह्मण है वो एक सब्सटेंस है किसका, यूनिवर्स का, जो एक एब्सोल्यूट बीइंग है, ठीक है। उपनिषद आर मेनली फिलोसफिकल, देखो उपनिषद जो है वो फिलोसफिकल है नेचर, बट वो बात करते हैं किसके, हाइएस्ट नॉलेज के बारे में, आत्मा ब्रह्मांड इनके बारे में, ठीक है, ठीक है। 108 उपनिषद हैं जिसमें से 13 बहुत हैं, जिसमें आपको मांडव उपनिषद हो गया, ठीक है, इस तरह के जितने भी उपनिषद हैं सारे, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने टॉपिक डाला है, ये सत्यमेव जयते जो हमारे नेशनल में लिखा है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मांडव के उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और चांडव के उपनिषद जो है वो फर्स्ट 3 आश्रम डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैरिज,
जिसमें हमारे अनुमा और मैरिज ऑफ मैन इज ओन वर्ड ना बिलोंग टू इज वन एक्सेप्टेड द कॉमन फॉर्म ऑफ मैरिज इन सोसाइटी। फिर प्रतिलोमा जिसमें आपका होता है कि वुमेन जो होती है वो लोअर वर्ण की होती है, ठीक है, फिर जो उनकी लव मैरिज होती है इन दैट सेंस, ठीक है। चलो फिर आते हैं आपके वेदांत, ये सब पार्ट है वेद के, ठीक है ठीक है। फाइनल एम क्या है, वेद सिग्निफाई द एंड ऑफ द वेदास, इट कंटेम द सेक्रीफाइस सेरेमनी डिनोट द लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड। फिर आते हैं आपके वेदांग, वेदांग मतलब वेदांग लिम्स ऑफ वेद, पैर, ठीक है, लिम्स ऑफ द बॉडी होते हैं ना जैसे सपोर्टिव, उसी तरीके से वेद के वेदांग्स क्या है, पैर है, जिसमें दे आर कंसिडर्ड टू बी ह्यूमन ओरिजन, ह्यूमन ओरिजन, ठीक है, फॉर्म ऑफ सूत्रास लिखा है, ठीक है। और ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है जो हमारे वेदांग है, ठीक है, जिसमें आपका देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि फिनोटिक, रिचुअलिस्टिक, एस्ट्रोनॉमी, ग्रामर, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर इनके आगे लिख देगा शिक्षा, कल्पा, ज्योतिषा, फिर इनको मैच करने को आएगा, फिर वो ए बी सी डी 1 2 3 4 3 2 1 4 ऐसे करके। तो शिक्षा, फिनोटिक्स, कल्पा, रिचुअलिस्टिक साइन, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, व्याकरण, ग्रामर, निरुक्त, एटमोलॉजी, चंडा, मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आता है हमारे पुराणास, पुराण मतलब होता है एंशियंट और ओल्ड, ठीक है, जिसको कंपोज किसने करा था, वेद व्यास जी ने, ठीक है, वेद व्यास जी है, ठीक है। वेरियस टॉपिंग टॉपिक्स से रिलेटेड है, जिसमें रिलीजियस डेवलपमेंट के बारे में है, और 5th-6th सेंचुरी में से लिखा गया है, और जो पुराणास है वो रिलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ हिंदू धर्म, द कंडीशन ऑफ सोसाइटी इन द एंशियंट टाइम, सोशल कस्टम, रिचुअल सेरेमनीज, एज वेल एज योगिक मेथड ऑफ डिसिप्लिन, योगिक मेथड कैसा डिसिप्लिन में रहने का, ठीक है। ट्रेडिशनली पुराना डिस्कस 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के बारे में पुराणास बात करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है इन द स्पेन ऑफ 4 एजेस, जिसमें आपका सत्य, त्रेता, द्वापर और कलकी युग, 4 युग चल रहे हैं ना हमारे पुराणास में ही, इनके बारे में लिखा है, सत्ययुग के बारे में, त्रेता युग के बारे में, द्वापर युग के बारे में और कलयुग के बारे में। और अभी कौन सा चल रहा है, अभी चल रहा है कलयुग, और ऐसा माना जाता है पुराणों के हिसाब से कि कलयुग की जो उम्र है वो है 4,32,000, समझे, 4,32,000, ठीक है। फिर आता है आपका सर्ग, प्राइम क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, प्रति सर्ग क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी क्रिएशन, मनंतरा, इनको तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, वंशु चरित्रा, ठीक है। ऑल पुराण आर स्ट्रॉन्गली सेक्रेटेरियन, सम आर डिवोटेड टू शिवा, विष्णु हुई, शिव पुराण, विष्णु पुराण, इस तरीके से उनके बारे में, उनकी स्टोरीज के बारे में, ठीक है। 4 युग है, जिसमें महायुग है दैट 1,000 युग मेक अ कल्पा, एवरी कल्पा इज फर्दर डिवाइडेड इन 14, ऐसे करके कि 1,000 महायुग है उसमें फिर डिवाइड करो कल्पा, ऐसे करके पूरा चक्कर बनता है साइक्लिक, ठीक है। जो पुराणाज है वो 18 महापुराणों में डिवाइडेड है, जिसमें आपके हैं विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, नारद, पद्मा, करुणा, मत्स्य, कुर्मा, शिवा, अग्नि, भागवत पुराण, ठीक है, याद रखना है चीजें। पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी वैदिक ऋग्वैदिक आर्यों की, अर्ली रिग वैदिक सोसाइटी वॉज सेमी नोमैडिक, सेमी नोमैडिक मतलब वो पूरी तरीके से नोमैड चरवाहा टाइप के नहीं थे, वो सेमी नोमैडिक थे, ठीक है। पेस्टोरल इकोनॉमी थी, मतलब एग्रीकल्चर भी करते थे और ये इधर उधर जाना, जानवरों को पालना, उनको नोमैड्स बोलते हैं, ठीक है। और ट्राइब्स वॉज कॉल्ड जना, जो ट्राइब्स होती थी उनको जना बोलते थे, और ट्राइबल चीफ्स को राजा ना गोपती या गोपा, जो प्रोटेक्टर होता था किसका, गाँव का, उस टाइम गायस को बहुत इंपॉर्टेंट माने, इंपॉर्टेंस दिया जाता था गाइस, क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि गाय क्या है, एक रॉयलिटी का प्रतीक है, ठीक है। और जो चीफ क्वीन होती थी उसको बोलते थे महिषी, ठीक है। और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी राजन की टू प्रोटेक्ट द जना, अपने ट्राइब्स के लोगों को बचाना, कैटल्स को बचाना, किससे, एनिमी से, ठीक है ठीक है। हाइड द कैटल ऑफ जनाज इन द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू गेट देयर कैटल बैक, वैदिक गॉड इंद्रा इन्वोक मैनी बैटल्स, जिसमें इंद्रा ऐसा मानता है कि इंद्रा उनकी लड़ाई हुई जिसमें गविष्टिक होता था, गवसेना, गशो, गव्यादि फाउंड हुए हैं, ठीक है। और इट सीम दैट ऋग्वैदिक पीरियड द किंग वॉज पोस्ट एज अ हेरिडिटरी, जो ऋग्वैदिक पीरियड होता था उसमें जो किंग की पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, मतलब परिवार टू परिवार, मतलब इसका बेटा फिर उसका बेटा फिर इसका बेटा, जो भी वंश पड़ता रहेगा, ठीक है ठीक है। बट ये है कि जो इलेक्शन होते थे वो प्रॉपर एक उससे तरीके से इलेक्शन होते थे, जिसमें समिति के इलेक्शन होते हैं, जैसे आज के टाइम पे होता है ना गाँव में, समिति जो वर्ड यूज करते हैं वो वहीं से लिया गया, असेंबली जो बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऋग्वैदिक सोसाइटी कंसिडर्ड पुरोहित, पुरोहित होता था एक, जिसको आज भी पुरोहित बोलते हैं, प्राइस्ट, पंडित, ठीक है, जो रिचुअलिस्टिक सर्विसेज फॉलो करता था। दूसरा होता है आपका गिफ्ट, फिर सेनानी होता था, चीफ ऑफ आर्मी होता था पुरोहित के बाद, जो आर्मी को देखता था, ठीक है। फिर आपका बृहस्पति होता था ऑफिसर बनता टेरिटरी, फिर ग्रामीणी, लीडर ऑफ द विलेज, देर इज नो एविडेंस ऑफ एनी ऑफिसर कंसर्न विद द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स रिलेटेड ऑफिसर का कोई कंसर्न नहीं है, चीफ रिसीव वॉलंटरी ऑफरिंग कॉल्ड बाली फ्रॉम द पीपल, देयर आल्सो नो मेंशन ऑफ एनी ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिंग जस्टिस।
फिर आता है आपके असेंबलीज, सेवरल ट्राइबल असेंबलीज होती हैं ऋग्वेद में मेंशन है, जिसमें आपकी एक सभा, स्मॉलर बॉडी ऑफ एलाइट्स, कई बार ये आ जाता है कि सभा समिति वेदांत गणा, इनको ऑर्डर में लगाओ या ऑर्डर में है या नहीं इस तरीके से। तो सबसे पहले आता था आपका सभा, फिर आता था आपका समिति, ब्रॉड बेस्ड फोक असेंबली, फोक मतलब खुद के परिवार वाले जो राजन द्वारा चलाए जाते थे। फिर आता था विधाता, ट्राइबल असेंबली, ठीक है। फिर आता गणा असेंबली ट्रू पूरा एक, ठीक है। वुमेन ऑल्सो अटेंडेड विधाता इन ऋग्वेदिक टाइम, द सभा समिति फॉर इंपॉर्टेंट असेंबलीज फॉर अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड देयर किंग शोड ईगरनेस टू विन देयर सपोर्ट। उनका सपोर्ट जीतने के लिए किंग बहुत कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे, ठीक है। किंग डोंट नॉट मेंटेन एनी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी, बट इन टाइम्स ऑफ वॉर ही मस्टर्ड अ मिलिशिया हुज मिलिट्री फंक्शंस वर परफॉर्म बाय डिफरेंट ट्राइब्स, जिसमें ग्रुप कॉल्ड वृता, शारदा और गना, ऋग्वेदिक चराइट्स यूज वर्मा, कोस्ट ऑफ मेल, शिप्रा, श्रोणास्त्र, हेलमेट, ठीक है, और इस तरह के स्वॉर्ड्स, हंस, एरोज, इन सबके नाम है, बोज, इन सबको यूज करते थे किसमें, लड़ाई के लिए, ठीक है। फिर आता है बैटल्स, ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आर्यन जो थे, आर्यन हैव एंगेज इन टू टाइप्स ऑफ बैटल, पहली थी प्री आर्यन कॉल्ड दशा दस्यु, ठीक है, और फिर आती है आपकी टू सच बैटल मेंशन, पहली तो आती है आपकी बैटल भारत के दिवदोसा बैटल, जिसको दिवदोसा बैटल भी बोला जाता है, दूसरी आती है आपकी दशरंजना बैटल, जिस जो भारत अचीव सुदाग और ग्रैंड सन ऑफ दिवदासा, ठीक है, एक तरफ थे, इन सबके बीच में हुई थी, वो 10 थे ये, एक इस तरह से लड़ाई हुई थी, तभी उसको बैटल ऑफ दशरंजना बोला जाता है। एक साइड थे पूरे 5 5 ट्राइब्स, जैसे पंचजना जिसमें यदु, त्रुषा, पुरु, अन्नू, द्रयु, ठीक है, और पुरुषिनी रिवर मतलब जो आज के रवि रिवर है उसके किनारे हुई थी। भारत ज्वाइन हैंड्स विद पुरुष टू फॉर्म द कुरु ट्राइब हु फेदर एलीड विद पंचालाज एंड एस्टेब्लिश देयर कंट्रोल ओवर द अपर गंगा, ठीक है। सोशल लाइफ कैसी थी भाई, किंग किनशिप नातेदारी वॉज अ सोशल स्ट्रक्चर था, कुल फैमिली कुलपा वॉज द हेड ऑफ द फैमिली होता था, लार्जर ग्रुपिंग कॉल्ड क्लेन बोल देते थे, वन और मोर क्लैंस मेड जना ट्राइब, और द जना वॉज द लार्जर सोशल सोसाइटी, फैमिली वॉज अ लार्ज ज्वाइंट यूनिट एंड पैट्रियार्कल हेडेड बाई फादर एज इट वॉज पैट्रियार्कल, द बर्थ ऑफ द सन वॉज डाइवर्स स्पेशली ब्रेव सन टू फाइट द वॉर्स, ठीक है। ऋग्वेदा नो डिजायर एक्सप्रेस फॉर डॉटर्स, डिजायर फॉर चिल्ड्रन, लेट अस रिकरेंट थीम इन द ह्यूमन, वुमेन्स ऑल्सो हैड इंपॉर्टेंट पोजिशन, वुमेन्स की बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन होती थी। दूसरा, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वॉज एस्टेब्लिश, नो एग्जाम्पल ऑफ चाइल्ड मैरिज, सती और पर्दा इन ऋग्वेदिक, देर इज नो इंस्टांस ऑफ री मैरिज, लेविरेट मैरिंग और हस्बैंड यंगर ब्रदर ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड, ठीक है, ये चीज होती थी। मैरिज वॉज यूजली मोनोगामस, देर आर सम रेफरेंस ऑफ पॉलीगैमी एंड पॉलीडेंट्री, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी वॉज नेवर डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड ऑक्यूपेशन वॉज बेस्ड ऑन, मतलब ऑक्यूपेशन के बेस पे थे, ठीक है। और इसमें ये चीज बोली गई है कि आई एम अ पोएट, माई फादर इज अ फिजिशियन, माई मदर ग्रीड ग्रीन अपॉन द स्टोन, अर्ली लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट मीन्स, वी लिव टुगेदर, पीपल विद डिफरेंट ऑक्यूपेशन वॉज अ पार्ट ऑफ द क्लैन। ऋग्वेदा शोज सम कॉन्शियसनेस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द पीपल, वर्णा वॉज टाइम यूज टू कलर, इट सीम दैट ऑरेंज वर फेयर एंड इंडिजिनस इनहेबिटेंट वर डार्क इन कॉम्प्लेक्शन, द कलर डिस्टिंक्शन मे हैव पार्शली गिवन राइज टू सोशल ऑर्डर, द फैक्टर विच कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द क्रिएशन ऑफ द सोशल डिविजन वॉज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिजिनियस इनहेबिटेंट बाय द आर्यस, और जो दशा और दिश्यूज थे वर हु वर कॉन्कर्ड बाय द आर्यस, जो आर्यन द्वारा जीते गए थे, उनको फिर बाद में स्लेव्स और शूद्रास, शूद्र जो हमारे वर्ण सिस्टम में एक क्लास वर्ण होता है, उनको उस तरीके से ट्रीट करा गया, समझे। फिर फोर वर्णा फाउंड इन द पुरुष सूक्त ऑफ द 10th मंडला, 10th मंडला जो है ऋग्वेद को उसमें इसके बारे में है, जिसमें बोला गया कि द वर्णा सिस्टम वाज प्रोबली इंट्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द ऋग्वेदिक एज एंड देयर वर सोशली मोबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सोशल हायरार्की एंड द सोसाइटी वाज स्टिल ट्राइबल एंड लार्जली इगेटेरियन। इकोनॉमी कैसी थी, काओ के और पूरे इसी काओ के बेस पे दूध, जो घी, मट्ठा, इन सब के बीच में इनकी पूरी वो चलती थी, जिसमें एक शेक ऑफ गाउस गविष्टी बोलते थे कि गांव गाय की सर्च में निकलते थे, ठीक है। अ वेल्दी मैन हु ओन मैनी काउज नोन एज गोमत, ठीक है, वेल्दी मैन को गोमत बोला जाता था। इंपॉर्टेंट काउज इन ऋग्वेदिक एज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द फैक्ट दैट डोनेशन टू द प्रीस्ट वर मेड इन टर्म्स ऑफ काउ एंड वुमेन स्लेव्स, ठीक है। गोल्ड कॉइन निक्षा बोलते थे, यूनिट ऑफ करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रेड वॉज कंडक्टेड ऑन द बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, बार्टर सिस्टम मतलब बेसिकली होता है एक्सचेंज, ठीक है, इसके बदले मतलब तुम मुझे सर्विस दो मैं तुम्हें कुछ सर्विस दूंगा, तुम मुझे दही दो मैं तुम्हें रोटी दूंगा, इस तरीके से मान लो, ठीक है। वॉलेंटरी ऑफरिंग वाली सब्जेक्ट बॉन्टी वॉज, लड़ाई में जो बॉन्टी जीते थे, ठीक है, वो नो कोई रेगुलर रेवेन्यू कुछ नहीं था, इस तरह की तो उनकी इकोनॉमी थी, ठीक है। आर्टिशन कारपेंटर घोड़ा चढ़ाने वाले जो घोड़ा चराइट चलाते थे, ठीक है।
वीयर पोर्टर लेदर वर्कर इंडिकेटेड द प्रैक्टिस ऑफ दिस क्राफ्ट, ठीक है। और फिर एक घोड़ों की रेस होती थी, डाइस गैमलिंग भी होती थी, ठीक है। अयाज वर्ड यूज करा गया है कॉपर एंड ब्राउन्स के लिए, शो दैट दीज वर यूज इन द ऋग वैदिक एज, ठीक है। आयरन टेक्नोलॉजी तो आई नहीं थी। ट्रांसपोर्ट के लिए बुल कार्ट, घोड़ा बग्घी जिसे बोलते हैं, घोड़े यूज होते थे, चराइट्स यूज होते थे, ठीक है। सीओ बोर्ड्स का भी रेफरेंस है। और गिफ्ट एक्सचेंज होते थे प्रीस्टेशंस, वर डन नॉट इंडिविजुअल बट एज अ ग्रुप लेवल पे, समझे। ऋग्वैदिक का रिलीजन क्या था, नेचर वर्कशिप करते थे भाई, नेचर को बहुत मानते थे, अर्थ फायर विंड रेन थंडर, ठीक है, इन चीजों को बहुत मानते थे। एंड दे जनरली वर्शिप इन द ओपन एयर यजनास, ठीक है। नाइदर कोई टेम्पल नहीं, कोई आइडल वर्शिप नहीं है, ठीक है। अब बोथ कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल प्रेयर वर मेड, आर्यंस वर्शिप गॉड मेनली फॉर द, चाहे बच्चों के लिए, कैटल्स के लिए, फूड के लिए, खाने के लिए, स्पिरिचुअल अपलिमेंट के लिए, और बेसिकली यहाँ हिनोथिज्म और कैथोनोथिज्म, मतलब फाउंड इन द रिलीज इन द ऋग्वैदिक रिलीजन, वेयर द डिटी बिंग इन्वोक इन द पर्टिकुलर हैमन इज कंसिडर्ड द सुप्रीम गॉड। जैसे उस टाइम पे इंद्र को बहुत मानते थे, इंद्र वरुण, मैंने बताया था ना उसमें स्पेशल डेटी, जिसमें इंद्र आ गया, ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ आर्यंस। फिर आपका पुरंदर बोला जाता था इनको, ब्रेकर ऑफ फाउंड्स, मगावन बोला जाता था, वीरत्रान बोला जाता था, ठीक है। रेन गॉड होता था आपका, ठीक है। अग्नि होती थी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड, ठीक है। इंटीमेटरी बिटवीन गॉड्स एंड पीपल, सन ऑफ अर्थ एंड हेवन। वरुणा द गॉड वॉज पर्सनिफाई वाटर, लुक आफ्टर द रीता और कॉस्मिक ऑर्डर, हाइएस्ट ऑफ ऑल ऋग्वैदिक गॉड्स। सोम एल्कोहल वाले, ठीक है। आर्यांस हिमालय मुंजावत, कंसिडर द वाइज गॉड हु इंस्पायर्ड द पोएट एंड कंपोज हाइमंस, ठीक है। यम लॉर्ड ऑफ डेथ, ये रुद्र अमोरल, सूर्य सन ऑफ द यूज वायु, विंड के, पृथ्वी के, अर्थ, अदिति फीमेल गॉडीज, आदिति इज द ओनली फीमेल गॉड, ठीक है। महाजनपद अगला टॉपिक है लगा इस हमारा, अगला टॉपिक है हमारा क्या, अगला टॉपिक है हमारा, ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा गाइस महाजनपदास। महाजनपदास के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। 16 महाजनपदास सबसे इंपॉर्टेंट, 16 महाजनपदास, इन सबके तुम्हें नाम याद होने ही चाहिए। कम्बोज, गंधार, कुरु, पंचाला, कोशाला, मल्ला, वर्जी, काशी, मगधा, अंगा, वत्स्य, क्षित्य, अवंती, मत्स्य, सुरसेना, आसक्का, ये 16 नाम याद कर लेना। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है कि इनमें से कौन सी महाजनपदा नहीं है, अगर आता है एंशियंट से तब, समझे, ठीक है। सेकेंड अर्बनाइजेशन बोला जाता था क्यों, ठीक है। और इंदो वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट बोला जाता था क्यों, एज अ सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा था इंडियन नॉर्थ वेस्ट की तरफ, मेनली बिहार वाले एरिया में, ठीक है। और अर्बन यूज इसलिए बोला जाता था क्योंकि आयरन लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हुआ था, बड़ी बड़ी टेरिटरीज बननी शुरू हुई थी, जिनको हम महाजनपदास बोलते हैं। और एट दैट टाइम देर वर 16 महाजनपदास, जिसमें से बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक अगुंतरा नियाकाय है, उसमें इसके बारे में वर्णन है, समझे। अब ये 16 महाजनपदास क्या है, इनके नाम क्या है, ये इसलिए है इंपॉर्टेंट, ये इसलिए डाला है क्योंकि गाइस इससे क्वेश्चन आता है। महाजनपदास अपने आप में एक बहुत बड़ा बढ़िया टॉपिक है। सबसे पहले आती है अंगा, जो साउथ गंगा, साउथ अब गंगा बिहार में बसी है, जिसकी कैपिटल चंपा थी, ठीक है। एस्पेक्ट तुम पढ़ लेना आपस में, ठीक है, देख लेना इसको, मैं पीडीएफ डाल दूंगा एक बार नॉलेज के लिए, मैं तुम्हें सब बता देता हूँ। साउथ ऑफ गंगा बिहार में अंगा थी, कैपिटल चंपा थी, वज्जी नॉर्थ बिहार वैशाली, ठीक है, रिपब्लिक स्टेट, ठीक है। फिर मल्ला, कुशीनगर, पावा जो यूपी में है, काशी, वाराणसी वाला, मगधा बिहार राजगीर में, ठीक है। फिर आपका था चैत्य, क्षेत्रीय, सुकमती, पंचाला, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सुरसेना, मथुरा, मत्स्य, विरुधनगर, अवंती, नॉर्थ अवंती जिसकी कैपिटल उज्जैन थी, आशिका, सुचेडन, गोदावरी, रिवपोताली, निजामाबाद, गंधारा, तक्षशिला, ये अफगानिस्तान में था गाइस, ठीक है। कम्बोज पुंछ डिस्ट्रिक्ट जे एंड के में, ठीक है। कौशाला, अयोध्या, सरस्वती, वात्स्या, कौशाम्बी, ठीक है। जो वात्स्या है ना उसको वामसा भी बोला जाता है। और महाजनपदा फॉलो बाय द मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, मतलब एक जगह तो किंग क्वीन वाला सिस्टम था और एक था रिपब्लिकन स्टेट, ठीक है। कौशाम्बी वाज अ सेंट्रल सिटी फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयर वाज अ प्रॉस्पेरस ट्रेड बिजनेस सिनेरियो इन द 6th सेंचुरी आफ्टर द राइज ऑफ बुद्धा। बुद्धा जी के आने के बाद जो रूलर थे उदयन, मेड बुद्धिज्म एज अ स्टेट रिलीजन। और वास्य वॉज लोकेटेड अराउंड द इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है, समझे। फिर उस टाइम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स क्या थी, दो तरह की गवर्नमेंट्स थी, मोनार्की किंगडम्स, रिपब्लिक, गणा संघा, ठीक है, जिसमें आपकी वज्जी कन्फेडरेशन ऑफ मैनी क्लैन, शाक्या, माला,
इस तरह की चीजें होती थी। मतलब बेसिकली मोनार्की मतलब होता था किंग क्वीन सिस्टम, और रिपब्लिक्स वाला होता था कि जो डेमोक्रेसी के थ्रू आती थी। तो उनमें बता रखा है कि जो शांख्या मल्ला वो क्या सिंगल क्लैंस थे, वो रिपब्लिक थे, ठीक है। बट जैसे वज्जी हो गया, ये हो गया, ये क्या थे, ये मोनार्की थे। और मगधा जो थी वो इन सारी 16 महाजनपदाओं में सबसे पावरफुल थी, ठीक है। मगधा कॉम्पिटिशन लगा रहता था किसके साथ, अवंती कोशाला के साथ, ठीक है, और सुप्रीमेसी, ठीक है। लेकिन मगधा ने सॉवरेनिटी गेन करी और बिकम मा मोस्ट पावरफुल महाजनपद। अब जनपद और महाजनपद में क्या फर्क है? देखो, जन जन जना जो होता है ना, इसका मतलब होता है पीपल्स, एंड दीज पीपल डिनोटेड ट्राइब और एथनिक ग्रुप और अ ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इंडो आर्यन मेंशन इन द अर्ली वैदिक टाइम यूज्ड टू लिव इन द सेमी नोमेडिक ट्राइब एरियाज एंड ट्राइबल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड जना, ट्रांसफॉर्म जनपद, ठीक है। मतलब बेसिकली टीयर वन सिटी, टीयर टू सिटी। टीयर टू सिटी जना हो गया, टीयर वन सिटी क्या हो गया, महाजनपदा हो गया, बस इतना ही फर्क है। जैसा आज के टाइम पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हो जाती है, वैसे ही समझ लो उस टाइम पे महाजनपदास, ठीक है। फिर राइज ऑफ मगधा, फिर आती है जो मगध अम्पायर थी, उसमें आपके आती है हरियाणा का डायनेस्टी, सबसे पहली डायनेस्टी थी जिसके फाउंडर थे बिंबुसार, उनके बेटे हुए अजातशत्रु, फिर उनके बेटे हुए उदयभद्रा, ठीक है। फिर हरियाणा के डायनेस्टी के बाद आती है शिशुशुंगा डायनेस्टी, शिशुशुंगा डायनेस्टी के फाउंडर शिशुशुंगा थे, उनका बेटा हुआ कलशोका, फिर शिशुशुंगा के बाद आती है नंदर डायनेस्टी, और फिर नंदर डायनेस्टी के बाद आती है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मनंदा, महापद्मनंदा जी के बेटे कौन हुए, धनानंद, उनके आठवें पुत्र थे, आठवें मतलब आठ पीढ़ियां, लास्ट रूलर। देवर कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महाजनपदास, अल्टीमेटली मगधा मर्ज एज द लार्जेस्ट एम्पायर, और जिसमें पहले डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल करा था वो थे हरियाणा का बिंबिसार। बिंबिसार वो टाइम था जब बुद्ध भी धरती पे अवतरित हुए थे, कंटेम्प्रेरी थे दोनों एक दूसरे के, याद रखना ये बात, ठीक है। और बिंबिसार ने फिर बुद्धिज्म अपना लिया था एंड अपनी लाइफ के, ठीक है। ये वो है मगध एम्पायर का कितना, मगध वाला ये एरिया था, ये थे वो बुद्ध थे, तो मगध में यही चीजें होती थी। तो मगध एरिया का एम्पायर की वजह से मैंने आपकी फोटो लगाई है बहुत अच्छे से ढूंढ के, ताकि तुम लोग समझ सको, ठीक है। चलो आगे, वेरियस किंग्स इन मगधा, ठीक है। किंग्स कौन कौन थे मगध एम्पायर में, बिंबिसार था, इनके कैपिटल क्या थी, राजगिरा, ठीक है। ये कंटेम्पररी थे बुद्ध और महावीरा के, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलायंसेस करे थे इन्होंने प्रिंस ऑफ कोशाला लच्छवी मादरा क्लैन के साथ, उनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाई थी, और ये वही थे जिन्होंने अपने फिजिशियन जीविका को भेजा था अवंत किंग को जब उन बीमार हुए थे, ठीक है। फिर बिंबिसार के बेटा हुआ अजातशत्रु, ठीक है। ही फॉलो द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यूजिंग मॉडर्न मशीन्स, ठीक है। ही यूज वॉर इंजन थ्रू स्टोन्स लाइक कैटपोल्ट्स, महाशील, कंटका, ठीक है, रथ मूसला, ठीक है। इन्होंने वाराणसी और वैशाली जीता। ही मीटिंग, और ये पहले हुई, ही अरेंज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हु अरेंज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो वो थे अजातशत्रु, हरियाणा का डायनेस्टी, किसके बेटे, बिंबिसार के बेटे, ठीक है। फिर आते उदाइन, ये उन्हीं के पुत्र थे अजातशत्रु के, इन्होंने न्यू कैपिटल पाटलिपुत्र फाउंड करी थी। बट इनके टाइम से ना डेट्रॉइट मतलब जो क्या बोलते हैं हरियाणा का डायनेस्टी ना, उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था, ठीक है। फिर आती है शिशुशुंगा, शिशुशुंगा डायनेस्टी, जिससे शिशुशुंगा बहुत ये मिनिस्टर थे मगध पीरियड में, ठीक है। फिर इन्होंने शिशुशुंगा डायनेस्टी को क्या करा, फाउंड किया, इन्होंने अवंती को डिफीट किया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद शिशुशुंगा के बाद आता है उनका बेटा कालशोका, ये इसलिए फेमस था, इसका कोई रीजन नहीं है फेमस होने का, बस ये फेमस है इसने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को क्या करा था, होस्ट करा था वैशाली में, ठीक है। बाद में इसको महापद्मनंदा ने मार दिया था जिन्होंने नंदा डायनेस्टी की फाउंडिंग करी थी, ठीक है। फिर महापद्मनंदा थे, ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी थी, ठीक है। ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। एक रथ बोला जाता था, ये कई बार पूछा जाएगा कि एक रथ किसके लिए यूज करा गया, तो एक रथ जो वर्ड है वो महापद्मनंदा के लिए यूज करा गया, ठीक है। कलिंगा कोशाला टू मगधा तक का पूरा एरिया इनके अंदर था, और ये हाथी गुम्मर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा है। फिर महापद्मनंदा का बेटा हुआ धनानंद, जो लास्ट किंग था और अनपॉपुलर था, क्यों, इसकी ऑपरेसिव टैक्सेस एंड एक्सप्लोटेशन की वजह से। चंद्रगुरु मौर्य ने इसका फायदा उठाया, चाणक्य के साथ उन्होंने मिलकर मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी, और वही टाइम था जब अलेक्जेंडर इंडिया में इन्वेड कर रहा था, बट वो बीज रिवर क्रॉस नहीं कर पाया था, ठीक है, ड्यू टू पावरफुल आर्मी ऑफ नंदास, ठीक है। डिफरेंट एजेस ऑफ महाजनपदास, एस्पेक्ट्स ऑफ एज ऑफ महाजनपदास, फीचर्स और डिस्क्रिप्शन याद रखना। इमर्जेंस ऑफ टू न्यू टाउन्स, ठीक है, महानगर, बिग सिटी, काशी, कौशाम्बी, सरस्वती, राजधानी इनकी क्या थी, राजगिरा, पूर्व
नागरा, 45 टाउन को बोला जाता था, निगम मार्केट टाउन को बोला जाता था, नगरा स्मॉल टाउन को बोला जाता था, और थ्री टाइप्स ऑफ विलेज एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे विनय पिटाका के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें कम से कम मिक्स होता थी कास्ट कम्युनिटीज, और वो थे सब अर्बन विलेजेस, देवर क्राफ्ट विलेजेस, ठीक है, जहाँ चिराइट मेकर्स, ठीक है, ठीक है, फिर आपका बॉर्डर विलेजेस आर्मी का ग्रामा जो बॉर्डर्स के एरिया पे थे, फिर आपका था ब्रह्म दियाज, ठीक है, ब्रह्म दियाज ग्रांटेड दी जाते थे ब्राह्मण्स को, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ गिल्ड, गिल्ड एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट्समैन एंड मर्चेंट्स, मतलब जो गिल्ड्स होता था एक तरीके से मर्चेंट्स व्यापारियों के लिए यूज करा जाता था, सेठी वॉज अ हाई लेवल बिजनेसमैन, वैसा मर्चेंट स्ट्रीट्स को बोला जाता था, ट्रेड रूट्स के लिए उत्तरपथा, उत्तरपथा मतलब तक्षशिला टू राजगिरा, ठीक है, और दक्षिण पथा, दो रूट थे, मतलब साउथ इंडिया दक्षिण पथा के लिए, उत्तर पथा नॉर्थ के लिए, पंचमार्क कॉइन निक्षा बोला जाता था, मनी यूज होती थी, ठीक है, जिसको निष्का बोला जाता था, ठीक है, और सतमाना वर जनरली मेड ऑफ सिल्वर, थ्रू ऑफ फ्यू कॉपर कॉइन्स वर ऑल्सो देयर। फिर आते हैं आपके टैक्सेस, बाली बाली वॉलेंटरी पेमेंट बिकम अ कंपल्सरी इन स्पेशल ऑफिसर्स कॉल्ड बाली अध्यक्षा, ठीक है, अब 1/6 जो होता था वो पीसेंट द्वारा दिया जाता था एज अ टैक्स, जो पीसेंट जो खेती करते थे उसके हिस्से का, ठीक है, एग्रीकल्चर कैसा था, एग्रीगेरियन एक्सपेंशन, आयरन का यूज होने लग गया था, क्रॉप यूज करती थी, पैडी ट्रांसप्लांटेशन होता था, बरले पर से दाल गेहूं रुई गन्ना ये सब था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, परिषद थे, मतलब किंग जो होता है, जैसे मान लो आज के टाइम पे पीएम होता है तो पीएम के जो एडवाइजरी बॉडी कौन हुए, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो इसी तरीके से, ठीक है, सभा समिति होती थी, ठीक है, बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया था परिषद से, ऑफिशियल्स के नाम याद रखना, कमी काज को कस्टम ऑफिशियल, शुल्क अध्यक्ष को टूल ऑफिशियल, राजभक्तास को डेप्यूटी टू सेफगार्ड द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेवलर्स। फिर एक लीगल और जुडिशियल सिस्टम कैसा था उस टाइम का, ट्राइबल लॉज फॉर रिप्लेस बाय सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, ठीक है, शूद्रास वर पनिश्ड बाय सिविली व्हाइल क्राइम कमिटेड बाय ब्राह्मण्स वर ट्रीटेड लाइटली, क्रिमिनल लॉज वर बेस्ड ऑन द रिट्रीब्यूशन रिवेंज एंड आई फॉर एन आई, मतलब जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, शूद्रास को थोड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रीट करा जाता था, ब्राह्मण्स को थोड़ा लाइट अगर वो कोई क्राइम कर भी रहा है, ठीक है, किनशिप मतलब नातेदारी भाई सगे संबंधी, पीपल हैज अ स्ट्रॉन्ग किनशिप्स इन अ मॉन्क्स नाउस देयर फैमिली, मोनेस्टिक रूल्स फॉलो होते थे, ठीक है, वुमेन्स की कंडीशन क्या थी, सबऑर्डिनेशन थी, पेट्रियार्कल कंट्रोल था, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, आइडल कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपेक्टेड एंड डिफाइंड फॉर अ वुमेन, वुमेन्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट था कि तुम्हें ऐसा रहना है, तो एक तरीके से वो डिसाइड कर रखा था, पोल्ट्री पोल्ट्री का क्या सीन था, पेंटेड ग्रे वेयर यूज करा गया था, ये जो है ना ये कलर जिसको नॉट ब्लैक पॉलिश वेयर भी बोलते हैं, ठीक है, बॉडी शाइनी आपने देखा होगा काले कलर के यूज होते हैं, फिर इसी टाइम पे फॉरनर्स का इन्वेजन होता है इंडिया में, जिसमें आपको सबसे पहले आया था साइरस, ठीक है, ये अक्मेनियन एम्पायर से रिलेटेड था, आई फर्स्ट कॉन्करर टू लेड एक्सपीडिशन इनटू इंडिया ड्यूरिंग अ गंधार रीजन, जो अफगानिस्तान वाला एरिया है, फिर इसके बाद आता है दुरिस्वन, जो ग्रैंड सन था किसका, साइरस का, ठीक है, इंदस वैली के पंजाब सिंध वाली एरिया को ही कॉन्कर कर लेता है, फिर इसके बाद आता है जेरिस, ठीक है, ठीक है, ही इंक्लूड सोल्जर फ्रॉम गंधारा एंड हिज फाइट अगेंस्ट ग्रीक्स इन इन द इंडिया नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में थ्री महाजन पास थी, कंबोज मांद्रा गंधारा, वो हमेशा इंगेज रहती थी किसमें, लड़ाई में, ठीक है, और इसी का इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा के द पर्शियन अम्पायर इन द सेंचुरी पेनिट्रेटेड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड ऑल इंडियन ट्राइब्स वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर सबमिटेड टू हिम पेड ट्रिब्यूट, समझे, क्योंकि एक साइड में तो अनस्टेबिलिटी चल रही है तो उसका फायदा उठाएंगे ना लोग, अगर किसी देश में अराजकता फैलानी तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हिला दो, सिविल वॉर करा दो, पर्शियन इन्वेजन का अटैक क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, ट्रेड बढ़ गया, क्वाइंस कॉपी होने लग गए, क्रोशरी स्क्रिप्ट आई पर्शियन राइटिंग में, नॉर्थ इंडिया में फेमस हो गई, फ्यू अशोका एडिक्ट वर आल्सो रिटन क्रोशरी, अशोका के भी जो एपिक्स है वो भी क्रोशरी में लेके गए, ठीक है, इन्फ्लुएंस दिखता है मॉडर्न आर्ट में मोनोलिथिक पीरियड्स में, ठीक है, तो जो बेल शेप कैपिटल ऑफ प्रियम्बल में जो अशोका एडिक्ट है वो सब ईरानियन इन्फ्लुएंशियल है, ये देखो ये है जो लॉइन बने, ये जो है देखो ये ईरान का इन्फ्लुएंशियल है, पर्शियन मैकेडोनियन आया था, मैकेडोनियन ग्रीक था उसका अटैक हुआ, ठीक है, अलेक्जेंडर ड्यूरियस, फिर कैप्चर नॉर्थ वेस्ट इंडिया करा उन्होंने, ठीक है, ऑल द किंग्स सारे किंग्स ने उनको सबमिट कर दिया एक्सेप्ट पोरस, पोरस नहीं करा, फिर बाद में अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई होती है जिसको बैटल ऑफ हाइडाइस्पस बोलते हैं, झेलम रिवर के किनारे, हिज आर्मी एग्जॉस्ट वर एग्जॉस्ट ऑफ बैटल एंड डिड नॉट क्रॉस रिवर बीस, आर्मी इतनी थक गई थी और रिवर क्रॉस ही नहीं कर पाई, और बेबी दुनिया में जाते जाते अलेक्जेंडर की डेथ हो गई, अलेक्जेंडर का इन्वेजन का क्या इंपैक्ट पड़ा इंडिया पे, इंडिया और ग्रीस के बीच में ट्रेड रूट सेट हुआ, ठीक है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट सेट हुई, ठीक है,
एक्सपोज इंडिया टू इन्वेजन फ्रॉम द वेस्ट बाय ओपनिंग फोर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय लैंड सी, इस रास्ते से भी ठीक है. यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, जब अटैक करा बाहर तो यूनिफिकेशन हो गया, सब एक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे. ठाक है, क्योंकि जो अलेक्जेंडर था वो छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स को क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था इंडिया में, समझे. और ये वो है मैप, देखो अलेक्जेंडर ने कितना कब्जा लिया था भाई, उसका पूरा ये प्लान कब्जाने का प्लान था, बट वो बेबीलोनिया जाते जाते मर गया रास्ते में. ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म. ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा क्या, अगला हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे. ठीक है, देखो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस वो है आपका बुद्धिज्म और जैनिज्म. इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज्म की स्टार्ट इंडिया में हुई थी आज से 2600 साल पहले. ठीक है, जिसमें इंसान को ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ पर्सन, ठीक है, और बेसिकली ये हुआ था साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में, जिसमें आपका इंडिया आता है, ओरिजिन इंडिया में माना जाता है. ठीक है, और जो रिलीजन इज बेस्ड ऑन द टीचिंग लाइफ एक्सपीरियंस, जो सिद्धार्थ गौतम को हुए थे 1563 BC में थे वो. ठीक है, और वो एक रॉयल फैमिली में उनका जन्म हुआ था, शाक्या क्लैन में उनके पिताजी थे जो कपिलवस्तु इंडोमिनी, मतलब आज के इंडिया नेपाल बॉर्डर पे. 29 साल की उम्र में ही लॉर्ड बुद्धा ने अपना, ठीक है, जिनको गौतम बोला जाता था, सिद्धार्थ बोला जाता था, एनलाइटमेंट से पहले उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया. ठीक है, ठीक है, और एक्सट्रीम सेल्फ डिसिप्लिन मेडिटेशन की हमें गए, बाद में जाके उनको बोधि बोध गया जो आज के टाइम पे बिहार में है, वहां जाके उनको क्या मिला, एनलाइटमेंट, पीपल के ट्री के नीचे. ठीक है, और उन्होंने अपना लास्ट सरमन, अपना लास्ट जो लेक्चर बोल सकते हो, वो बनारस के यूपी सारनाथ में दिया था. उसी इवेंट को बोला गया धर्म चक्र परिवर्तना, द व्हील ऑफ लॉ. और 80 साल की उम्र में 1483 BCE में कुशीनगर जो यूपी में है वहां जाके उन्हें महापरिनिर्वाण मतलब एनलाइटमेंट, मोक्ष, उन्होंने अपना वहां शरीर त्याग दिया, समझे. चलो टेनेंट्स क्या थे बुद्धिज्म, बेसिकली बुद्धिज्म क्या कहता था, बुद्धिज्म की क्या फिलोसफी थी. ठीक है, वो हमेशा बुद्धिज्म जो था ना गाइस, वो हमेशा अवॉइड करता था एक्सट्रीम्स को, कि भाई एक्सट्रीमिज्म नहीं अपना ना, मध्यम मार्ग अपना, मिडल पाथ. वो मानते थे कि ना बिल्कुल एस्केटिज्म जाओ, ना बिल्कुल वर्ल्डली प्लेजर में जाओ, आप जाओ मध्यम मार्ग. ये बुद्धा का कहना था, वैसे ऐसी बात नहीं, उनका कहना था कि ये हमारी इन जनरल फिलोसफी है, अगर कोई इंसान ये कर सकता है तो वेल एंड गुड, वरना मध्यम मार्ग तो करना ही चाहिए. ठीक है, और उनके ये मानना था कि हर कोई अपने हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, सब इंडिविजुअल लेवल पे आए हैं. ठीक है, और बुद्धिज्म की मेन टीचिंग की समराइजेशन ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट है फोर नोबल ट्रूथ थे, अरिया सच्चाने. ठीक है, जिनको एट फोल्ड पास ने, जिसको बोला अष्टिंग मार्ग, उनमें उसको डिवाइड करा गया, वो मैं आगे बताता हूँ. जिसमें फोर नोबल ट्रूथ क्या थे बुद्धिज्म टीचिंग के, कि सफरिंग, दुख जो है वो एसेंस है वर्ल्ड का. ठीक है, और एवरी सफरिंग हैज अ कॉज, हर सफरिंग के पीछे रीजन है, जिसको समोदया बोला गया. और ठीक है, सफरिंग कुड बी अष्टिंग निरोधा. ठीक है, सफरिंग को हटाया जा सकता है बाय फॉलोइंग अथंग मार्ग, अष्टिंग मार्ग जो आठ फोल्ड जो बताया गया उसमें. ठीक है, बुद्धिज्म में. ठीक है, और द पाथ कंसिस्ट ऑफ वेरियस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज रिलेटेड टू नॉलेज, कंडक्ट एंड मेडिटेटिव प्रैक्टिस. इसमें आपकी आती है राइट व्यू, सही व्यू होना चाहिए जो एट फोल्ड पाथ से, सही इंटेंशन होना चाहिए, सही बोलना चाहिए, सही एक्शन, सही लाइवलीहुड, सही माइंडफुलनेस, सही एफर्ट्स एंड सही कंसेंट्रेशन. ठीक है, ये व्हील है और इसके चारों तरफ ये आठ चक्रास, ये आठ फोल्ड के बारे में बताया गया. ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट है जिसमें इनका वर्णन है. ठीक है, बुद्ध चरिता. ठीक है, ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पेज है, इसको अच्छे से पढ़ना. ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट में जिनमें बुद्ध बुद्धिज्म के बारे में वर्णन है, तो जो थे सबसे पहले अश्वघोषा. अश्वघोषा ने क्या क्या लिखा है, अश्वघोषा ने बुद्ध चरिता, सुंदरनाथ, सूत्रलंकरा, सारी पुत्र परंकरा, वज्र सूची. नागार्जुन ने मध्य सिद्धांत, मध्यायिका सूत्र का, सुधर्मा पुत्रिका. अमरसिरा ने अमरकोशा, फर्स्ट डिक्शनरी इन संस्कृत अमरकोशा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. वासुबंधु ने अभिधर्मकोशा, फर्स्ट डिक्शनरी ऑन बुद्धिज्म. ठीक है, बुद्ध घोषा ने विशुद्धिम्मक, भाई ये क्वेश्चन इतनी बार आया है ना गाइस, इतनी बार क्या ही कहूँ मैं तुम्हें. फिर दिनंगा, इंट्रोड्यूस बाय द थ्योरी ऑफ लॉजिक. फिर धर्मकृति नया बिंदु, याद रखना ही सारे. ठीक है नाम, फिर इसी को अगर आप श्रीलंकन वे में देखा जाए तो इसको जो बुद्धिज्म था वो दो पार्ट में डिवाइड था, एक था दीप वामसा, एक था महावामसा.
ठीक है, बुद्धिस्ट कौन से बुद्धिस्ट लाए, जो भी है अशोका, जब मौर्य एम्पायर किंग अशोका था, मौर्य एम्पायर के जो राजा अशोका था, उसने अपने बच्चों को भेजा था कहाँ, श्रीलंका की तरफ, तो वहां जाके जो बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ उसका उसका सार था दीपवामसा महावामसा, जो वहां लोगों ने अपनाया। ठीक है, मिलिंदपना, एक मिलिंदपना करके टेक्स्ट है जिसमें बोला गया है कि, जिसका मतलब होता है क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, मतलब बुक में कन्वर्जेशन है किसकी, जो ग्रीक किंग था मेंदर वन और मिलिंद, ठीक है, और जो नागसेना था, नागसेना कौन था, एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, उनके बीच में, ऐसा माना जाता है कि नागसेना से, वो नागसेना से इतना कन्वेंस हुआ था मेंदर वन, ठीक है, मिलिंदा, बाद में उसने बुद्धिज्म अपना लिया था। ठीक है, फिर बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ का हुई थी, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब इनएविटेबल क्वेश्चन है। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी किसने, अजातशत्रु ने, बिंबिसार का बेटा था, हरियाणा का डायनेस्टी का था, ठीक है, राजगिरा में, दूसरी वैशाली काल अशोका शिशुशुंगा डायनेस्टी, तीसरा पाटलिपुत्र अशोका मौर्य डायनेस्टी, ठीक है, ये चारों जो नाम है ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो उनके बिहाफ में ये चीजें कराई गई थी, जो वहाँ के हेड थे, महाकश्यपा, सभाकमी, मोगिला, तिस्सा, वासुमित्रा। फिर फोर्थ आते हैं, कश्मीर में हुई थी, कनिष्ठ ने कराई थी, ठीक है, महाराज कनिष्ठ ने, वासुमित्रा, ठीक है, और ये उन काउंसिल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, वो सारी चीजें, जैसे पहले बुद्धिस्ट काउंसिल्स में ये हुआ था कि प्रिजर्व करा जाएगा ओरल एडिशन हुआ, ट्रेडिशन हुआ था, दूसरे में महाशिंगा स्कूल को ऐड करा गया था, नए नए जो वेदास थे, फिर अभिधम, तीसरे में अभिधम्म पिटागास को एस्टेब्लिश करा गया था, चौथे में बुद्धिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, महायान और हीयान में, ठीक है, ये देखो, ये है अजातशत्रु, ठीक है, ये काल अशोका, ये काल अशोका हो गया, ये अशोका हो गया, ये कनिष्क हो गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। फिर आते हैं स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, स्कूल दो पार्ट में डिवाइड था, टू मेन फॉलोइंग थी बुद्धिज्म की, जिसमें एक था महायान, जो बिलीव करते थे ग्रेट व्हील्स पे, इनका यकीन था कि हैवीनेस ऑफ बुद्धा वाज आइडल वर्शिप, बुद्ध जी का, बुद्ध की आइडल वर्शिप करेंगे, बोधिसत्व, जैसे वो नहीं होता लाफिंग बुद्धा टाइप इन दैट सेंस, और बेसिकली पॉपुलर कहा हुआ सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया में, चाइना कोरिया में। फिर एक था लेसर बीकन, ही नहीं आना, जो अबेंडन करते थे किसको, आइडल वर्शिप को, वो टीचिंग्स को फोकस करते थे, ठीक है, और दे डज नॉट बिलीव आइडल वर्शिप एंड ट्राई, उनका मानना था कि आप जो, आपको सेल्वेशन प्राप्त होगा वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू, और इसी के सेक्ट थे थ्रेवता और हीनयान सेक्ट, ठीक है, चलो। फिर आता आपका थ्रेवता, थ्रेवता एक और स्कूल था, थॉट्स ऑफ फिलोसफीज होते हैं ना, जैसे हिंदुइज्म में भी कितने सारे थे ऐसे, ठीक है, तो इसमें इनका मानना था कि ओरिजिनल टीचिंग बुद्धा के फॉलो करेंगे भाई, और ये डेवलप्ड हुआ था कहाँ, श्रीलंका में, ठीक है, रेस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, कमोडिया, म्यांमार में याला स्कूल ऑफ थॉट मनाया जाता है, वज्रयान में व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट, जो वज्र वज्र, ठीक है, ठीक है, ये स्कूल बुद्धिज्म स्कूल डेवलप हुआ था 1900 BCE में, ठीक है, सोटा जेन, जिसमें मेडिटेशन, जेन मेडिटेशन, जो चाइना की चैंग स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म टैंग डायनेस्टी ने स्टार्ट करा था, ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू आपको बुद्धिज्म या सेल्वेशन प्राप्त करना है, ठीक है। फिर आता है आपका जैनिज्म, जैनिज्म दो पार्ट में डिवाइड था, जैनिज्म दिगंबरा और श्वेतांबरा, दिगंबरा जो होते हैं जो व्हाइट पैंथर, श्वेतांबरा जो होते हैं न्यूड रहते हैं, ठीक है, ये हुआ था तब बेसिकली जब मगध में फेमाइन हुआ था, तो भद्रबाहु साउथ इंडिया चले गए थे, 12 साल का फेमाइन था, फिर वहां से जिनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चले गए थे, क्योंकि उन्होंने भी जैनिज्म अपना लिया था, जब फेमाइन एंड होता है तब साउथर्न ग्रुप कम बैक टू मगध, और वो देखते हैं कि जो जैनिज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, दिगंबराज मॉन्क कंप्लीट न्यूड होते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया था मैंने, ठीक है, और मेल डू नॉट वेयर क्लोज, फीमेल तो पहनती है व्हाइट साड़ीज, और चार इनको, पांच इनको रूल्स फॉलो करने थे, सत्य बोलना है, अहिंसा, कभी लड़ाई नहीं करनी, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य अपनाना है, बिलीव वुमेन, और इनका मानना था कि वुमेन जो है वो लिबरेशन प्राप्त नहीं करती, ये भद्रबाहु के सेक के थे, और श्वेतांबरा जो थे वो व्हाइट कलर के कपड़े पहनते थे, और वो चार बोझ पे यकीन करते थे, एक से ब्रह्मचर्य, और उनका मानना था कि वुमेन अचीव कर सकती है लिबरेशन, इसको शुक्ल भद्रा ने स्टार्ट करा था, ठीक है। फिर आते हैं आपके जैन अंगास, मतलब लिटरेचर्स, ठीक है, जैन वर्ड में अंगास मतलब यही होता है, ठीक है, लॉर्ड महावारे ने प्रीचिंग करी, मेथोलॉजिकली कंपाइल्ड फॉरवर्ड इनटू मेनी टेक्स्ट, ठीक है, जिसको अंगास बोला गया, ठीक है, तो जो बुक्स थी जैन रिलीजन के इंपॉर्टेंट, वो 40 ऐसे टेक्स्ट हैं, जिसमें से 12 अंगास हैं, 12 उपमंगास है, 10 परिक्रमास है, 4 मूल सूत्रा, 6 चिरड़ा सूत्रा, 2 चिलिका सूत्रा, ठीक है, जो प्राकृति लैंग्वेज में लिखी है, अर्धामंगदी, और अंगास स्टिल रिगार्ड फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, रिगोरस वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, एस्केटिज्म, कंपैशन, नॉन वायलेंस, ठीक है,
तो 12 अंगा जो है उनके नाम जान लो, इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। सूत्रा सबसे ओल्डेस्ट अंगा है, फिर सूत्रकृतंगा, ओल्डेस्ट कोड ऑफ कंडक्ट जैन मॉन्क, मेटाफिजिक्स, सतंगा सूत्रा, साम्यंगा सूत्रा, वांग्क्य प्रजनति, उपशक दशा, ठीक है, अंतरदशा, अनुत्तरपुत दशा, पर्सना व्याकरणी, ठीक है, देशावती वदा, ठीक है, इस तरह से याद रखना सब। फिर आ जाते हैं आपके नोबल चैंस टेक्स, ठीक है, जिसमें आपके ऑथर्स उनके बारे में है, जैसे भद्रबाहु 3rd सेंचुरी BC में चंद्रगुप्त मौर्य के इंस्ट्रक्टर थे ये, ठीक है, ही पेंट, ही मतलब भद्रबाहु कल्प सूत्रा, उस्वमनवरम सूत्रा जिसमें जैन तीर्थंकर्स के बारे में उन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी थी, इन्होंने ही दिगंबरा सेक्ट फाउंड करा था, इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य निकल लिए थे साउथ इंडिया। फिर आचार्य कुंगुड, ठीक है, जैन फिलोसफी में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, इन्होंने सामसरा और न्यामसरा के बारे में लिखा है। सामंतभद्रा 2nd सेंचुरी के टाइम पे थे, इन्होंने रत्नाकरंडा, सर्वाक्षरा, लाइफ ऑफ जैन हाउस होल्डर्स लिखी है। इलांगोदिकल, शिल्प पदिक्रम बाय इला, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने लिखी है, ठीक है, ये तमिल लिटरेचर है जैनिज्म के बारे में। कनिंगी हु आफ्टर लूजिंग हर हस्बैंड मिसकैरीज ऑफ जस्टिस एट द पांडियन डिनेस्टी कोर्ट एसेड रिपुटेशन ऑन हिज अम्पायर। फिर त्रितुकेतवा, उमासवाती, ये नाम याद रख लेना सब, ठीक है, सिग्निफिकेंट संस्कृत ट्रेटीज, जिन सेना दिगंबराज मॉन्ग थे 8th-9th सेंचुरी में, ठीक है, हरिभद्र सूरी, ठीक है, ये हरिभद्र सूरी भी क्या थे, जैन मॉन्ग थे, हेमचंद्र सूरी, ठीक है, इन्होंने ग्रामर इन संस्कृत और प्राकृत में लिखे हैं, ठीक है। जैन काउंसिल कहाँ को हुई थी, देखो बुद्धिज्म इज ओवरवेल, जैन काउंसिल इज अंडर एस्टिमेटेड, ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पहली कहाँ हुई थी, 330 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में, शूद्रभद्रा ने करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य के पेट्रोन थे, 12 अंगा ऐड करे गए थे। सेकंड 1512 में हुई थी, वेल्लबी में, देवरती कृष्ण रमा ने करी थी, चेयरमैन थे, पेट्रोन कौन था पता नहीं है, बट इसमें फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज और उपअंगाज, ठीक है। अब आती है हमारी मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर। देखो जब नंदा रूलर थे ना, नंदा रूलर्स के बाद दयानंद जो था वो बहुत अनपॉपुलर हो गया था अपने टाइम पे, मैंने तुम लोगों को बताया था क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या था, ऑपरेसिव एंड टैक्स रेजिम, ठीक है, ऑल्सो पोस्ट अलेक्जेंडर डिवीजन हो गया था इंडिया में, तो उसी का फायदा उठाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट एंड पॉलिटिकल ब्राह्मण कौटिल्य, उन्होंने दयानंद को क्या करा, डिफीट करा, 321 में उन्होंने क्या मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करी थी। ओरिजिनल एक्सपेंशन क्या है, अलेक्जेंडर की डेथ के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी फाउंड करी, ठीक है, पीसफुली वॉज नाउ इंजॉइंग पीस अलॉन्ग विद द वेस्टर्न बॉर्डर, चंद्रगुप्त वॉज फ्री टू फोकस ऑन मिलिट्री एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉइट्स, बट एंड ऑफ हिज रेन ही हैड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के थ्रू उन्होंने अपनी एक्सटेंशन बढ़ाया, जिसमें बिंदुसार उनका बेटा था, ठीक है, डेक्कन में उनको भेजा, ठीक है, फिर बिंदुसार का बेटा हुआ अशोका, ठीक है, जिसने कलिंग ऐड करा था, कलिंग वॉर हुई थी ना, उसके बाद उन्होंने अशोक धम्मा अपना लिया था, ठीक है, ऐसा मानते हैं कि ब्रूटल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द रीजन लेड टू अशोका, अशोक द्वारा सबसे ब्रूटल कॉन्क्वेस्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें उन्हें मिलिट्री त्याग दी थी, इतने इतना उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। फिर अशोक की डेथ के बाद ना जो क्या होता है, जो इनके आपस में इनके फ्यूडेटरीज थे, इनके रिश्तेदारी थे, इनके मतलब वो होने शुरू हो जाती है, टूटी शुरू हो जाती है। फिर जो उनका लास्ट रूलर था बृहद्रथा, था उसको मार दिया गया था उसके मिनिस्टर द्वारा, शुंगा ने फिर अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट कर दी थी, एक शिशु शुंगा थी और शुंगा अलग थी, याद रखना। अभी तुम जान लो मौर्य एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य था, उनका बेटा बिंदुसार हुआ, बिंबसार नहीं बिंदुसार, फिर अशोका हुआ, फिर दशरथ हुआ, सांप्रति, शिल्पशुका, देववर्मन, सद्धन्वन, फिर बृहद्रथा, ठीक है, ये सब हुए, और ये पूरा मौर्य डायनेस्टी थी अपने टाइम पे, पीक पे, ठीक है, पीक की फोटो है ये। अचीवमेंट्स जान लो चंद्रगुप्त मौर्य की, सबसे पहली फाउंड थे मौर्य डायनेस्टी के 321 में, 25 ईयर एज में, ठीक है, इन्होंने अपना, अब इन्होंने पूरा अपना तामंदार संभाल लिया था। पॉलिटिकल अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने पहले तो नंदास को हराया, दयानंद को, ग्रीक्स ओवर सेल्यूडिया, देखो एक लड़ाई होती है सेल्यूडियस और किसके बीच में, किसके बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, सेलिकस जो था वो लेगेसी थी, उसने अपनी अलेक्जेंडर का बेटा था, आई गेस वो या कुछ था वो, तो इनके बीच में आपस में लड़ाई होती है, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। फिर सेलिकस अपना ग्रीक एम्बेसडर भेजता है मेगस्थनीज कहाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जिसके बुक से हमें मेगस्थनीज जो इंडिका किताब थी, जिससे हमें उसके बारे में पता चलता है चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी के बारे में, ठीक है।
साउथ इंडिया में भी उनका अपना दबदबा था, ठीक है, संगम एरिया तक उन्होंने सब एरिया कवर कर रखा था। पर जैन सोर्सेस के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त एम्ब्रेज जैनिज्म टुवर्ड द एंड ऑफ हिस लाइफ। बाद में उन्होंने भद्रभाव की कंपनी लेके वो कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे, साउथ में, और वहाँ सर्व बेलगोला कर्नाटका में वहाँ उन्होंने अपनी मॉन्की स्लो स्टारवेशन से अपने लाइफ को क्या एंड करा था। ठीक है, फर्स्ट ग्रेट स्टोरी हिस्टोरिकल एम्पायर थी इंडिया की, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इंडिया को इंटीग्रेट करा था। फिर आते हैं अशोका, बिंदुसार के बेटे थे अशोका। दिंदोरों के बारे में पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चाइल्ड हाउस से ही उस टाइम 100 भाई थे, ये 99 भाई को मार के इन्होंने क्या ये सीट अपनाई थी, ठीक है, वो अपॉइंटेड करे गए थे गवर्नर उज्जैन और अवंती के, ठीक है। बाद में उन्होंने बैटल ऑफ कलिंगा लड़ी थी पूरे जीवन में, जिसमें उसके थर्ड मेजर रॉक के बारे में, रॉक में उनके बारे में वर्ण लिखते, जहाँ से हमें पता चलता है अपने 99 भाइयों को हरा के उसने ये चीज एक्सेप्ट करी थी कि भाई वो अब राजा होगा, समझे। अशोका को जब कलिंग वॉर होती है, उसको जब वो जीत भी जाता है, उसके बाद में उसका इतना बड़ा हृदय परिवर्तन होता है कि वो अशोक धम्म मतलब रिलीजन बेस्ड, ठीक है, बुद्धिज्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है, ठीक है, भिक्षु बन जाते हैं, ठीक है, ठीक है, उस चीज को प्रमोट करते हैं भिक्षु घटिक को, बट वो कभी खुद बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं बनते, याद रखना ये बात, ठीक है। और जो धम्मा की जो बारे में लिखा है, वो अशोका के सेकंड और सेवन्थ पिलर, जो भी इतने पिलर मिले हैं उनमें उनके बारे में बता रखा है। अशोका ने फ्यू गुड पॉइंट्स इन द धम्मा इन हिज इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, कभी ह्यूमन को नहीं मारना, डिस्ट्रक्शंस नहीं करना, सर्व रिस्पेक्ट पेरेंट्स, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करना, मेंटर्स की रिस्पेक्ट करना, बिहेवियर लेस प्रिजर्व लेस, ठीक है। अशोक वॉज द फर्स्ट लीडर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री कैरियर आउट इज पॉलिसी ऑफ धम्मा इम्परलाइज विक्ट्री विदाउट वॉलेज, विक्ट्री विदाउट वॉलेज, मतलब उसने ना अभी चीजें छोड़ी दी थी कि भाई हमसे ना हो पाएगा, अब हम त्याग रहे हैं सब, ठीक है। फ्रॉम द प्रोवोकेशन ऑफ धम्मा अशोका अपॉइंटेड एज अ न्यू कैटेगरी, उसने धम्मा के टीचिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए उसने एक नया मिनिस्टर अपॉइंट करा, जिसको धम्मा महामंत्र बोला गया, मंत्री बोला गया, ठीक है। बिसर धर्मा महामंत्राज उसने युक्ता राजुका प्रदेशिका ऐसे कई कई सारे अपॉइंटमेंट्स करी, ठीक है, और हमेशा अशोका को एक ग्रेट रूलर की तरह इंडियन हिस्ट्री में देखा जाता है, ठीक है। फिर मॉडर्न सोसाइटी कैसे थी, वर्ण सिस्टम था, ठीक है, वर्ण सिस्टम पूरा कंप्लीट डेवलप था, 4 वर्ण में डिवाइड था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास, ठीक है, और वो अपने वर्ण के हिसाब से काम करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस 4 वर्णास कौटिल्य है अर्थशास्त्र टॉक अबाउट वर्ण शंकरा सचेत निषाद मगध सूत वेद चंडालास, ठीक है, और कौटिल्य कंसिडर देम टू बी शूद्रास, ठीक है। सती सिस्टम कौटिल्य हैज नॉट गिवन, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसमें कहीं सती सिस्टम के बारे में नहीं लिखा, बस सत्राबो मेंशन दैट सती सिस्टम वाज प्रेवलेंट अमंग द कट ट्राइब्स, कुछ कट ट्राइब्स थी पंजाब की, उनमें ये चीज लिखी गई थी। फिर आती है मॉडर्न आर्ट एंड एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर, सॉरी, आर्ट कैसे थी। ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनी डिस्क्राइब करते द पैलेस ऑफ द मॉडर्न एम्पायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, एंड चाइनीज ट्रैवलर फायान आल्सो कॉल्ड मॉडर्न पैलेस एज अ गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, ऐसा इन्होंने अपने उसमें वर्णन किया है। फिर आफ्टर पाटलिपुत्र मेगास्थनीज मेंशन इट हैड 64 एंट्रेंस थे और 570 टाउन थे। मेगास्थनीज मैंने बताया था ना, सेलेकस के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, तो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए थे, फिर उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया था, ठीक है, फिर उसने सेलेकस ने अपना ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज को बना के भेज दिया था, फिर उसने अपनी इस किताब इंडिका में मौर्य एम्पायर के बारे में लिखा है, समझे। तो हमें ये सब वहीं से पता चलता है गाइस। फिर आते हैं पिलर्स, द मैजेस्टिक फ्री स्टैंडिंग ऑफ अशोकन पिलर्स सिंबलाइज द एक्सेस ऑफ वर्ल्ड दैट सेपरेट हेवन एंड अर्थ, ठीक है, जो पिलर्स मिले हमें, ठीक है, जितने भी रॉक पिलर्स मिले उन सबसे ही हमें इन चीजों के बारे में पता चला है। अशोका फर्स्ट पिलर वॉज फाउंड फ्रॉम वैशाली, ठीक है, कोला पिलर, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर सरनाथ पिलर ऑफ अशोका इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इट, और जो मोटिव जिन पिलरों पे है वो है वन लॉयन, अपीर ऑन द पिलर ऑफ वैशाली, ठीक है, एलिफेंट कैपिटल फाउंड है संशिका, बुल रामपुरवा पिलर, फोर लॉयन जो सरनाथ में मिले हैं, जो हमारे एम्बलम में भी लगे रहते हैं। फिर केव्स कैसी रही है मॉडर्न पीरियड के टाइम पे, ठीक है, रॉक कट केव्स हैं, बारमर और नागार्जुनी हिल्स पे ये केव्स बनाई गई हैं, अशोका दशरथा जो उनके द्वारा, उनके जो पुत्र थे और अशोका उनके द्वारा बनाई गई, देखो ये ऐसी एंट्रेंस है, बेसिकली पहाड़ को काट के अंदर ही अंदर काम करा गया है, इस पॉइंट में यही कहा जा रहा है, ठीक है। और इनको लोमस ऋषि केव भी बोला गया है, जो केव की फोटो है, ठीक है, और दिस केव्स वर डेडिकेटेड बाय अशोका एंड दशरथा टू अजीविकास, जो सेक्ट था, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन था अजीविकास, ठीक है। स्तूपास, स्तूपास सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में बहुत फेमस अशोकन स्तूपास है, पियर व स्तूपा उत्तर प्रदेश में ओल्डेस्ट वन, सब इम्पोर्टेंट स्तूपास बाय अशोका, भरूड स्तूपा, सांची स्तूपा, धर्मजी का, सारनाथ, तक्षशिला, बोध गया, सारे जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
विहाराज बेसिकली मेडिटेशन हॉल होते थे ऐसे, जहां बैठ के मेडिटेशन कर सकते थे, ठीक है। फोर कार्न स्टोन स्कल्पचर मिले हैं, लॉन्ग स्टोन स्कल्पचर्स, ठीक है, वेरियस सिटीज में, पटना में, मथुरा में, मध्य प्रदेश में, यक्ष यक्षी को शो करते हैं कि एक तरीके से रक्षक थे हमारे उसके कुल के, तो उस तरीके से चीज को डिग्निफाई करा जाता है, ठीक है। मॉडर्न इकोनॉमी रेवेन्यू सिस्टम और टैक्सेशन पे चलती थी, ठीक है। स्टेट का जो प्राइमरी सोर्स था वो रेवेन्यू ही था, ठीक है। द रॉयल शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द सॉइल इज नोन एज भूगा, ठीक है। 1/6 टू टाइप्स ऑफ लैंड होते थे, स्टेट लैंड और राजकीय भूमि, और दूसरा होता था निजी भूमि, जिसमें लैंड वॉज नोन एज अ सिता, द फार्मर्स हु यूज देयर ओन सीड्स, मतलब लीज पे लेते थे रेंट, ठीक है। बाद में 1/3 1/4 वो देमसेल्फ रखते थे, बाकी सारा स्टेट को जाया जाता था। और फिर एक होता था निजी भूमि, जिसमें इनकम ड्राइव खुद करते थे, और जो 1/4 होता था 1/6 होता था वो क्या टैक्स के तौर पे देते थे, बाकी सारा खुद का, ठीक है। कलेक्शन जो होता था टैक्स का वो कैश या कार्ड में होता था। राजू का डिड द मेजरमेंट, अब राजू का एक ऑफिशियल पोस्ट थी जो मेजरमेंट करता था लैंड्स का। टैक्स फ्री विलेजेस अवेलेबल थे जिनको परिहारा, ठीक है, और टैक्स फ्री और फ्री लैंड नोन एज उदयविक और परिहार, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी टैक्स नोन एज परनर टैक्स, याद रखना बट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी टैक्स परनर टैक्स। अकॉर्डिंग टू कौटिल्या द टैक्स कुड बी इम्पोज वंस, जो टैक्स होता था वो सिर्फ एक बार इम्पोज कराया जाता था, ठीक है। एंड वेरियस सोर्स ऑफ इनकम भी थे, जैसे टोल टैक्स हो गया, ट्रेड टैक्स हो गया, आर्टिफिशियल सोल्ड, फॉरेस्ट टैक्स हो गया, इंटॉक्सिकेट जो अल्कोहल पे लिया जाता, माइन टैक्स हो गया, इरिगेशन टैक्स हो गया। पर अंडर द मौर्यंस मौर्यास द सम ग्रुप ऑफ द पीपल वर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, उनका टैक्स छूट थी, वो कौन थे, वो थे स्टूडेंट्स, वुमेन, ब्लाइंड, ब्राह्मण और डेफ, बहरे लोग, ठीक है। इन सबको छूट थी किससे, टैक्स से। फिर आता है आपका एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इकोनॉमी वॉज एग्रीकल्चर। कौटिल्य मेंशन अबाउट थ्री क्रॉप्स, तीन क्रॉप्स के बारे में कौटिल्य मेंशन करा है, जो हमें मैगस्थनीज ने दो क्रॉप के बारे में मेंशन करा है। इकोनॉमी जो इकोनॉमी होती थी स्टेट की वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के तौर पे चल रही थी पूरा, ठीक है। एंड दीज थ्री वर ऑल टुगेदर नोन एज वर्ता, मतलब ट्रेड, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों का कॉन्सेप्ट बोला जाता था वर्ता, ठीक है। और इट वॉज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड दैट द ट्रांजेक्शन टू द एग्रीकल्चर वॉज कम्प्लीट इन इंडिया एंड एग्रीकल्चर बिकम अ बेसिक। इस टाइम तक आते आते जो इकोनॉमी चलती रही थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड हो चुकी थी, और जो प्रिंसिपल क्रॉप थी वो थी चावल, मेले, मिलेट, गेहूं, ठीक है, और गन्ना, सब्जी, फल, ठीक है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़े तो उत्तरपथ, ठीक है, और पुरुषुरु तर्मलपति मेगस्थनीज ने 1300 माइल का रूट बताया। उत्तरपथा मतलब पूरा नॉर्थ वाला एरिया, और दक्षिणपथा मतलब पूरा साउथ ईस्ट, इनको ये दो दो उसमें डिवाइड था, ठीक है। और इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य ड्यूरिंग द रेन ऑफ शेषा सूरी। इसी रूट्स को उत्तरपथा, दक्षिणपथा को शेरशाह सूरी के टाइम पे क्या क्या बोला गया था, सिल्क रूट, जीबी रूट, ठीक है, ग्रेट ट्रंक रोड, ठीक है, सदाग इजाम रोड, ठीक है। बाद में इसको लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा ग्रेट ट्रंक रोड का नाम भी दिया, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे। तो दक्षिण पर जो रूट था वो सरस्वती से प्रतिष्ठान तक था, और थर्ड रोड का नहीं भरी कच्छ से मथुरा तक, और फोर्थ रूट जो थी चंपा और कौशाम्बी के बीच में था पूरा। फिर आता है आपको कॉइन्स, कॉइन्स अर्थशास्त्र में, इन अर्थशास्त्र कॉइन्स वर कोल्ड एज अ रूल, ठीक है। कई तरह के कॉइन थे, निश्चित का गोल्ड कॉइन, करसापन, धरनपन, सिल्वर कॉइन, महास कन्नी। इन अर्थशास्त्र इट इज मेंशन दैट देयर वर अ स्टेट माइन, माइन मतलब मिंटिंग, मतलब स्टेट खुद मिंट करती थी, फैक्ट्रीज थी उनकी, ठीक है। और इसके जो हेड होते थे उसको लक्ष का अध्यक्ष बोलते थे, रूपर दक्षा वॉज नोन एज द एग्जामिनर ऑफ द कॉइन्स, ठीक है। एंड द इकोनॉमिक माउथ फॉर द मौर्यास स्टार्ट फ्रॉम द जुलाई, ठीक है, जो इकोनॉमिक मंथ होता था ना मौर्यास का वो जुलाई से स्टार्ट होता है, जैसे आज मार्च से शुरू हो जाता है ना, मार्च एंड होता है, फिर अप्रैल से लग जाता है, ठीक है। सेवरल इमेजेस सच एज स्नेक्स, पीकॉक, ट्रीज पंच ऑन दिस कॉइन, ठीक है, देखो ये वो कॉइन्स है, ठीक है। द कॉइन ओनली हैड इमेजेस एंड डिड नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन और इंस्क्रिप्शन, कोई इंफॉर्मेशन और इंस्क्रिप्शन नहीं होती, सिर्फ इमेजेस होती थी सर कॉइन्स पे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्यंस का, मौर्य ऑर्गेनाइज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है, ऐसा मेगस्थनीज और अर्थशास्त्र के कौटिल्य ने कहा है, ठीक है। किंग हेड होता था, उसकी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जुडिशियल पावर होती थी, ठीक है। ही वॉज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी एंड प्लान मिलिट्री ऑपरेशन विद कमांडर इन चीफ, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर होता है, चीफ होता है, और जो किंग था उसको असिस्ट कौन करते थे, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो हेड करे जाते थे किसके, मंत्री परिषद बोला जाता था उनको, जैसे आज के टाइम पे होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, समझे। मंत्री परिषद ऑल्सो हेड द सिविल सर्वेंट्स कॉल्ड अध्यक्षास, अमंत्यास, ये जो आज के टाइम पे IAS IPS होता है,
टच में रहते थे, जो एक तरीके से उनकी हेल्प करते थे, सेक्रेटरी का काम करते थे इन मंत्री परिषद में, ठीक है। और ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो उनके लिए लिस्टेड थे, सन्निधाता, रॉयल ट्रेजरी, अगर ये नाम याद रखना इसलिए मैंने नाम डाले हैं, सन्निधाता, रॉयल ट्रेजरी, आकराध्यक्षा, माइंस सुपरिटेंडेंट, सर्वनाध्यक्षा, गोल्ड सुपरिटेंडेंट, पण्याध्यक्ष, कॉमर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट, उपाध्यक्ष, फॉरेस्ट ऑफिसर, लवनाध्यक्ष, सॉइल डिपार्टमेंट, सीताध्यक्ष, एग्रीकल्चर, फिर धर्मसित्य, दीवानी, जो सिविल कोर्ट होता था वहाँ सिविल से रिलेटेड केस देखे जाते थे, फिर कंता कोषधन, फौजदारी, जहाँ क्रिमिनल केसेस देखे जाते थे, रॉबरी, मर्डर, सेक्स ऑफेंसेस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, क्योंकि जो मौर्यस थे वो मेंटेन करते थे बहुत बड़ी लार्ज आर्मी, जिन्होंने जो 3 टाइम लार्जर थी कैसे नंदास से, और मौर्यन आर्मी कभी 4 विंग्स थी इसकी, इन्फेंट्री, पैदल वाले, कैवलरी, घोड़े वाले, एलिफेंट, हाथी वाले, चिराइड, वो वाले जो घोड़े चढ़ते हैं उसके पीछे जो बैठे रहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र रेफर टू कैमल एंड कॉप्स एज वेल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आर्मी लोग आफ्टर अ वॉर, 30 मेंबर थे और 30 मेंबर 6 बोर्ड्स में डिवाइडेड थे और 5 मेंबर ईच होल्ड करता था। इस तरीके से पूरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी। ऑब्वियसली आर्मी देखो इंपॉर्टेंट पार्ट तो होता है, बट मैगस्थनीज ने मेंशन कर रखा है कमिटीज जो 6 सब कम्युनिटीज में डिवाइड थी, जो कोऑर्डिनेट करते थे मिलिट्री एक्टिविटीज को, जिसमें से एक कमिटी देखती थी नेवी को, दूसरी ट्रांसपोर्ट को, तीसरी फूड सोल्जर्स को, चौथी हॉर्सेस को, पांचवी चराइड्स को और सिक्सवीं हाथी को, ठीक है, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ सेकेंड सब कम्युनिटी वॉज रेदर वेरड अरिंग द बुल कार्स, मतलब घोड़ा बग्घी वाली जो सेकेंड सब कम्युनिटी थी, ठीक है। इस तरीके से पूरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन चलती थी। अगला टॉपिक आता है आप लोगों का ला गुप्ता अम्पायर, ठीक है, गुप्ता अम्पायर अगला टॉपिक है आप लोगों का, क्या गुप्ता अम्पायर। हाँ तो गाइज अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हम लोगों का क्या, वो हमारा है गुप्ता अम्पायर, ठीक है, गुप्ता अम्पायर पढ़ेंगे हम, ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करता है। देखो जो जब मौर्यन अम्पायर का डिसअपीयरेंस हो गया, ठीक है, तब ना कुछ इस तरीके से हुआ कि कुशाणास आ गए नॉर्थ इंडिया में, सतवाहनास आ गए डेक्कन में, ठीक है, तो ऐसे डिवाइड हो गया इंडिया, फिर मतलब ये कुशाणास यहाँ कंट्रोल कर रहा है, याला एरिया कुशाणास के अंदर है पूरा, ये सतवाहनास के अंदर है, ठीक है, तो इस तरीके से हुआ, ठीक है। इसी के बैकग्राउंड में गुप्ता अपनी फाउंडेशन रख रहे थे, फिर आफ्टर मौर्य गुप्ता रियलाइज द पॉलिटिकल, इंडिया का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन नॉर्थ इंडिया का बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को क्या करता था, कवर करता था, ठीक है। फिर जो गुप्ता एज हुई उसको कंसिडर कर गया सेकेंड ग्लोरियस एरा एनल ऑफ द एनल्स ऑफ द एंशियंट इंडिया। फिर गुप्ता पीरियड वॉज अक्लेम बाई हिस्टोरियंस एज द पीरियड ऑफ एल्फ्लोरेसेंस, क्लासिकल एज, गोल्डन एज बोला जाता था बेसिकली, क्यों और देखते हैं आगे, ठीक है। हिस्ट्री एंड एक्सटेंट, गुप्ता पीरियड स्ट्रेच अक्रॉस नॉर्थ सेंट्रल एंड पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया बिटवीन 320 से 520 CE तक, ठीक है। नॉट मच इज नोन अबाउट द अर्ली डेज ऑफ दिस गुप्ता डायनेस्टी, द ट्रेवलर्स ऑफ फायान, ये यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कई बार कि फायान और वांग सोंग किसके टाइम पे आए थे, तो ये दोनों गुप्ता पीरियड के टाइम पे आए थे। तो जो इसके फाउंडर थे वो थे श्री गुप्ता, जिन्होंने गुप्ता फाउंड को क्या करा था, फाउंड करा था गुप्ता एम्पायर को, फिर इसको सक्सीड करा इनके बेटे घटोत कच ने, यह फायान की फोटो है, ठीक है। रूलर रेन और उनके इम्पोर्टेंस, सबसे पहले आते हैं आपके श्री गुप्ता वन, ये जो फाउंडर थे, फाउंडर से क्वेश्चन आ जाता है, इनके बेटे हुए घटोज का, फिर आते हैं चंद्रगुप्त वन, ठीक है, जो बेटे थे किसके, घटोज के, और पहले इंडिपेंडेंट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। इट्स सैड दैट द अम्पायर ऑफ चंद्रगुप्ता हैव बीन, ठीक है, ठीक है, हैव आई मे हैव इंक्लूड द एरिया मॉडर्न बिहार और पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बंगाल वाला, इन्हीं के टाइम पे गुप्ता अम्पायर में ऐड हुआ था, ठीक है। फिर चंद्रगुप्त वन को सक्सीड करा था उनके बेटे समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त को ग्रेटेस्ट गुप्ता किंग माना जाता है क्योंकि उसने एक्सपेंशन करा था, कंसोलिडेट करा था गुप्ता अम्पायर को, और ये जनरली बिलीव करा जाता है ड्यूरिंग हिज टाइम गुप्ता अम्पायर स्पेंड ओवर द हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड माउथ ऑफ द कृष्णा गोदावरी, इतना एक्सपेंड कर लिया था, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस बताते हैं प्रोबेबली इन द कमीशन बाय द सबसिक्वेंट गुप्ता किंग्स नोन एज द इलाहाबाद पिलर, जिसको प्रज्ञा प्रशस्ति भी बोला जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इलाहाबाद पिलर, ठीक है। फिर आता है कच्छ, ये उनके बेटे हुए, फिर कच्छ का बेटा हुआ चंद्रगुप्त टू, द पीक ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य टू के टाइम पे, जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं,
ठीक है, जो बेटे थे किसके, समुद्रगुप्त के, ये उनकी फोटो ठीक है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने लड़ाई लड़ी थी शाका सत्रास के खिलाफ वेस्ट इंडिया में, ठीक है। एज अ रिजल्ट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया इन्होंने जीत लिया था, ठीक है। तो गुप्ता ने गेन, गुप्ता जी ने वहां गेन करी पूरा कंट्रोल ऊपर पूरे भैरो सोपरा कैनबे वाले एरिया में, ठीक है। एंड द एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग कॉल्ड चंद्रा आर ग्लोरिफाइड इन द आयरन प्ले इंस्क्रिप्शन फिक्स नियर कुतुब मीनार के पास, ये उसमें इसकी ग्लोरिफिकेशन बताई गई है। फिर जो चंद्रास थे मेरुली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में, उसके चंद्रगुप्त टू के बारे में बताया गया है। फिर एक चाइनीज पिलग्रिम थे फाइयान, वही फाइयान था जो इंडिया आया था चाइना से बुद्धिज्म को पढ़ने, कहा नालंदा यूनिवर्सिटी में, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार। और फाइयान किसके टाइम पे आया था, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्या, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, कंफ्यूज मत होना। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी है और चंद्रगुप्त टू अलग है। द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त वॉज एडॉर्न बाय सेलिब्रेटेड स्कॉलर्स कलेक्टिव नोन एज नवरत्न। इनके उसमें 9 नवरत्नास थे जिनके बारे में आपको पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। द गुप्ता एम्पायर वॉज रीच इट पिनिकल ड्यूरिंग दिस टाइम, पिनिकल मतलब एपेक्स, ऊंचाई पे, सबसे ऊंचाई पे चंद्रगुप्त मौर्य टू के टाइम, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे था, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 9 नवरत्नास कौन थे विक्रमादित्य के टाइम पे, सबसे पहले थे अमर सिम्हा, ठीक है, जी वो एक पोएट थे, ठीक है, लेक्सोग्राफर थे, और इन्होंने ही अमर कोशा लिखी थी, ठीक है। फिर ना धन्वंतरी जो फिजिशियन थे, शंखु जो फील्ड आर्किटेक्चर थे, हरिसेना जो प्रज्ञा प्रशस्ति के कंपोजर थे जिन्होंने इलाहाबाद प्लेयर इंस्क्रिप्शन लिखा था। फिर आता है आपका कालिदास, इमोर्टल पोएट थे, इनका बारे में तो किसने नहीं सुना। कहा पर इनका एस्ट्रोलॉजर थे वारामीरा, ठीक है, ये थे। इन्होंने वारामीरा ने क्या क्या लिखा था, पंचेदंतिका, भीरट संहिता, भीरट जटका, ये सब इन्होंने की। फिर थे वारुचि, नेम अनदर जेम ऑफ चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य वॉज अ ग्रामर एंड संस्कृत स्कॉलर थे। फिर सम हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाई हिम विद कात्यायन, वारुचि इज सेड टू बी द ऑथर ऑफ प्राकृत प्रकाशा विच इज द फर्स्ट ग्रामर प्राकृत लैंग्वेज। फिर था विथल भट्ट जो मैजिशियन थे इनके टाइम पे। तो ये इनके 9 नवरत्नास थे जो इनकी हेल्प करते थे हर चीज में, ठीक है। फिर इनके बाद हुआ कुमार गुप्ता, इसने पूरा गुजरात बंगाल वाला एरिया एक्सपेंड किया, वहां ने कंट्रोल किया। फिर कुमार गुप्ता बन के बाद आता शकुन गुप्ता, ठीक है। इट सेड दैट द रिस्टोर्ड द फॉलन फॉर्चून जो था वो गिरने लग गया शकुन गुप्ता के बाद से, ठीक है। और जनरली इनको लास्ट गुप्ता रूलर माना जाता है। और गुप्ता हु कम टू लाइमलाइट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 4th सेंचुरी डोमिनेटेड द डेस्टिनीज ऑफ द नॉर्थ इंडिया। 4th सेंचुरी के टाइम पे बहुत डोमिनेट थे, ठीक है, और 6th सेंचुरी तक इनका एटलीस्ट इनका राज था, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये इनका पूरा कैप्चर एरिया था, देख रहे हो इतना पूरी गुप्ता अम्पायर फंसी हुई थी, पूरी गुप्ता अम्पायर कितना बड़ा है भाई, ह्यूज। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका, ठीक है, ठीक है। स्मॉल प्रदेश थे, छोटे छोटे प्रोविंस थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे आज के टाइम पे होते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस था, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, वॉज माइल्ड, कैपिटल पनिशमेंट मिली दी जाती थी, ठीक है। फाहियान ने मथुरा और पाटलिपुत्र को क्या करा था, एक्सप्लोर करा था, ठीक है। फिर उन्होंने डिस्क्राइब करा था इनको एज अ सिटी ऑफ फ्लावर्स, पीपल कुड मूव अराउंड फ्रीली, कहीं भी जा सकते थे, ये सब फाहियान की किताबों से मिला है, ठीक है, ठीक है। बहुत इजीली लॉ एंड ऑर्डर रेन था, अकॉर्डिंग टू फाहियान इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट, चोरी, बर्गलरी, इन सब चीजों के जो इंसिडेंट थे वो सब काउंट करे गए, ठीक है। सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, पीपल जो थे वो सिंपल लाइफ जीते थे, कॉमोडिटीज थी, अफोर्डेबल अराउंड प्रॉस्पेरिटी, गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स थे ग्रेट नंबर्स में, ठीक है, ठीक है। और ट्रेड और कॉमर्स होता था इजीली, ठीक है, आउटसाइड इंडिया में, इंडिया के बाहर सिल्क का, कॉटन का, स्पाइसेस का, मसालों का, ठीक है, जेम स्टोन्स का, इन सब का। स्टील क्राफ्ट थी, ठीक है, और 7 mm 23 feet लंबा एक आयरन पिलर जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है वो इसके टेस्टिमनी है, ये गुप्ता पीरियड के टाइम का, याद रखना, ठीक है। ट्रेड रिलेशन विद मिडिल ईस्ट के साथ इनके ट्रेड थे, आइवरी, टर्टाइज, शेल, ये सब, या अफ्रीका सिल्क, ये सारा ट्रेड होता था इनका आपस में, ठीक है, फूड, ग्रेन, स्पाइसेस, इन सब का, ठीक है। रिलीजन क्या था, ठीक है, बेसिकली दे वैष्णवा हिंदूज में जो हमारा विष्णु भगवान होते हैं उनको मानते थे ये लोग, ठीक है, ठीक है। बट ये टॉलरेट था और रिलीजन के खिलाफ भी, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री रिसीव लिबरल इनको डोनेशन मिलता था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल वो बहुत होता था, तभी तो फाइयां जैसे लोग बाहर से यहाँ पढ़ने आते थे, कहाँ नालंदा जैसी जगहों में, ठीक है। सेवरल जैन स्टूडेंट एग्जिस्ट अक्रॉस द एम्पायर, ठीक है, जैन काउंसिल्स होती थी, ठीक है, ठीक है। लिटरेचर, साइंस एंड एजुकेशन,
संस्कृत अपने चरम सीमा पे थी। तो कालिदास जैसे राइटर अभिजन्म, शकुंतलम, मालविका मित्रम, रघुवंशा, कुमार शंबाई, चारों कालिदास जी ने लिखी थी पोएट्स। कोई हरिसेना, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति इन्होंने लिखी थी, ठीक है। कोर्ट पोएट थे किसके, समुद्र गुप्ता के। सुधार का, मीर चट्टिका, वशकता, मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्रा लिखी थी, ठीक है। विष्णु विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी, सुधार का ने मीर चट्टिका लिखी थी। वारुचि, बुद्धायाना, ईश्वर कृष्णा, बैतृहरि, बोध संस्कृत में प्राकृतिक लैंग्वेज लिखी जाती थी। वारामीरा ने भरिट संहिता लिखी थी, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताती थी, ठीक है। जीनियस मैथमेटिशियन जो आर्यभट्ट थे, उन्होंने सूर्य सिद्धांता लिखी थी इन्हीं के टाइम पे। शंकु डिवोट हिमसेल्फ टू क्रिएटिंग टेक्स्ट अबाउट ज्योग्राफी। धन्वंतरी जो थे, उन्होंने हेल्प करी थी मेडिसिनल सिस्टम की, आयुर्वेदा को समझने में, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे वाग्भट, चरक, सुश्रुत सब इन्हीं के टाइम पे थे, ठीक है। फेदर पीपल एनकरेज टू लर्न द एसेंस ऑफ द संस्कृत लिटरेचर, ठीक है। एपिक महाभारत और रामायण को फाइनल टच भी इन्हीं के टाइम पे दिया गया था। नालंदा यूनिवर्सिटी फाउंड करी गई थी कुमार गुप्ता वन द्वारा, ठीक है। बुद्धिस्ट एजुकेशन को एक बहुत बड़ा सेंटर बना था नॉर्थ इंडिया में। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर कैसा था उस टाइम का, ठीक है। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर पीरियड कैन बी अजंता एलोरा, सारनाथ, मथुरा, अनुराधपुरा, शिखरी, सब उन्हीं के टाइम के थी। टेंट, शिल्प शास्त्र, टेरिटरीज ऑफ आर्ट, ठीक है। ये चीजें टाउन प्लानिंग में यूज करी जाती थी, मतलब आर्किटेक्चर का एक तरीका था, एक तहजीब थी, ठीक है। आयरन पिलर दर, ठीक है, जो दिल्ली का आयरन पिलर है, ये सब उसी के टाइम के मेटल स्मिथ्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और क्लासिक इंडियन स्टाइल, ठीक है, लिटरेचर, मेडिसिन, सब अपने चरम पे था, इसलिए इसको गोल्डन एरा बोला जाता था, ठीक है। ड्रम हो गया, कास्टिंग मेटल इमेजेस हो गई, देख रहे हो, ठीक है। फ्रेस्को पेंटिंग, इसको फ्रेस्को पेंटिंग बोला जाता है, जो अजंता की केव्स पे आप देख के जा सकते हो, जो महाराष्ट्र में, आप कभी जाओ विजिट करना। क्वाइंस कैसे थे, डिनर्स यूज होते थे। एक्सेप्शनल इंस्टेंस ऑफ नोमिस्मैटिक्स एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन। फेस ऑफ द क्वाइंस जनरली पोर्ट्रेट गवर्निंग किंग किंग के बारे में बताते थे, ठीक है। गुप्ता क्वाइनेज वॉज एट द पिनिकल ऑफ द मेटलॉर्जी एंड इमेजनरी इमेजनरी, ठीक है। डेक्लाइन कैसे हुआ भाई साहब, 6th सेंचुरी के आते आते डेक्लाइन शुरू हो गया, क्योंकि पुष्पमित्र वॉरलाइक ट्राइब लड़ाई हुई, ठीक है, जिसमें जो शकल गुप्ता था वो हार गया, ठीक है। फिर हुंस ट्राइबल नॉमेडिक ट्राइब्स थी सेंट्रल एशिया की, उन्होंने बहुत बार अटैक करा, उनके जो लीडर थे हुंस के, तोरमना, मीरा गुला अटैक करते थे, ठीक है। उसमें बैक तोड़ती थी गुप्ता अंपायर की, ठीक है। हिज वीकनेस सेंट्रल अथॉरिटी मेड द फ्यूडरीज। फिर जब गुप्ता अंपायर टूट गई ना, तो इन्होंने इनके जो फ्यूडरीज थे, इनके नातेदारी रिश्तेदारी को आपस में छोटी छोटी जगहों में डूब गए, जैसे मैत्रा वल्लभी के, वारंदा, मुकरीज, उदास बंगाल के, यशूर वर्मन, ठीक है, इस तरीके से। एंड जो सक्सेसर थे शकुन गुप्ता के, वो वीक और बहुत इनकम्पिटेंट से थे बेसिकली। देखो एक बात तो है, कोई भी चीज़ होती है ना लाइफ में, या कोई भी चीज़ है, वो ना अपने एक टाइम पे बहुत पीक पे रहती है, लेकिन उसके डाउनफॉल जरूर आता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। फिर ट्रेड इनका रोमन अंपायर के साथ डिक्लाइन होने लग गया, क्यों, क्योंकि इनका ट्रेड होता था, पहले मैंने बताया था ट्रेड होता था रोमन अंपायर था, कि पूरे रोमन अंपायर है यूरोप में, बट हुंस के अटैक की वजह से इनका ट्रेड में लॉस हुआ, तो फिर क्या हुआ, पिट गई, ठीक है। और मच ऑफ द इनकम वॉज स्पेंट इन सरप्राइजिंग द अपराइजिंग ऑफ द पुष्पमित्रास। पुष्पमित्रास ने अलग अटैक करा, हुंस ने अलग अटैक करा, तो वो तरीके से ना इंसान टूट जाता है फिर, ठीक है। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा यार, बहुत मेहनत लगी है। प्लीज गिव अ लाइक, शेयर, कमेंट, और मुझे बताना कैसा लगा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच इतने देर देखने के लिए। लव यू ऑल।